हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्विक रिवीजन वन शॉट के अंदर, वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। यानी एनसीईआरटी से हम इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितनी बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है नीट के अंदर। तो 4 to 6 क्वेश्चन आप मान सकते हो इस चैप्टर से रीसेंट ईयर में आ रहे हैं 2017 के बाद में। यानी अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 11th और 12th के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगी, क्लियर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले जो है वो आपको क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल जो है वो आपको मस्ट जो है वो मैं कंप्लीट भी करवा चुका हूँ। इससे पहले वाले सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर, आप इस चैप्टर से पहले प्लीज़ मस्ट आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो मेनली यहाँ पर ये चैप्टर हमारा डीएनए बेस्ड रहेगा, यानी डीएनए के बारे में, फिर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट वाला चैप्टर था वहां पर मेंडल ने जो बात की थी किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में। और अब हमें पता है कि जो वो फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और वो किसके अंदर रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो कौन सा रहता है, डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है एटलीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर लिख भी रखा है जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये चीज हम पढ़ चुके हैं और इनके डायग्राम वगैरह वो सब कुछ दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, क्लियर है। अब यहां पर दो चीजें आती है, बात करती है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड जो है बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था 2 types के होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए दैट इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक इन सेकेंड होता है आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे 2 type के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम पे मिलते हैं। अब इसमें जो डीएनए होता है वो ज्यादातर जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, पर जो आरएनए है वो भी आपका एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इन सम वायरस। कुछ एक वायरस होते हैं जहां पर आपका आरएनए जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, बट आरएनए मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी तरह वर्क करता है, ये वर्क करता है मैसेंजर की तरह। इसके अलावा एडिशनल रोल भी होते हैं किसके, आरएनए के, कौन कौन से, ये फंक्शन करता है अडेप्टर की तरह, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह जो होता है वो वर्क करता है, क्लियर है। इसके अलावा आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर आरएनए जो होता है वो जाकर हमारा कन्वर्ट होगा प्रोटीन के अंदर जो सेंट्रल डोगमा आता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे अंदर केवल डीएनए होता है, हमारे अंदर आरएनए भी होता है, बट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है जहां पर हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो डीएनए में होती है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि यहां पर बता भी दिया है कि आरएनए जो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है इसीलिए, क्लियर है। वापस वही बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बात करें कि वहां पर आपने न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर था वो देखा था, दीज मोनोमर्स लिंक टूगेदर फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर जो थे वो मिलकर बनाते थे। बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वापस यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, कैसे रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन जो सेंट्रल डोगमा के अंदर आता है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला भी था कि डीएनए से आरएनए बनता है। फिर यहाँ पे जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, यानी मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक कोड्स के बारे में, इसकी बात में बात कर रहा ये है। और फिर हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन, उसके बारे में बात करेंगे, एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, वो कैसे रेगुलेशन होता है ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लिविंग सिस्टम है उसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का वो क्या है, डीएनए है। और यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर मेनली जो स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है डीएनए। डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड।
यानी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और यहाँ पे जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डी ऑक्सीराइबोज होती है। तो इसलिए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। क्लियर है। अब आप कहोगे कि जो डीएनए की लेंथ है वो क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और वो लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है वो यूजुअली डिफाइंड होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है, वन है, टू है, थ्री है, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, करोड़्स में है, तो वो कितने सारे हैं उस पे बेस होता है कि उसकी कितनी लेंथ होगी। क्लियर है, वो हम फॉर्मूला भी आगे आएगा जहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए वगैरह देखेंगे वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेस पेयर क्या कहलाता है। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए ये हमारे पास एक डीएनए है, उसमें डबल स्ट्रैंड है, एक फर्स्ट स्ट्रैंड ये है और एक सेकंड स्ट्रैंड ये है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, मान लेते हैं ये ए न्यूक्लियोटाइड है और ये बी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं और ये जो पूरा एक पेयर कहलाता है इसी को बोलते हैं बेस पेयर, यानी ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस टाइप से जो पेयर बनाते हैं उसको बोलते हैं बेस पेयर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है तो इन दोनों को बोल देंगे, नहीं, आमने सामने जो होता है उसको बोलते हैं बेस पेयर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी हिसाब से अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है वो बताया गया कि कितने न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज लैम्डा 174 के अंदर होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। वहीं पर आपके बैक्टीरियोफेज जो आपका लेमडा होता है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज 5 यहाँ पर इसको सिंबल को बोलते हैं 5 PHI, ये साइन नहीं है ये 5 है। तो यहाँ पे 5174 जो है उसको हम उसमें होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफेज लेमडा के अंदर होते हैं 48502 बेस पेयर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नंबर में न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस पेयर लिखा हुआ है। मैं बता चुका हूँ बेस पेयर कैसे काउंट करते हैं वैसे, यानी डबल स्टैंड है। ई कोलाई की बात करें तो वहाँ पे होते हैं 4.6×10^6 बेस पेयर, और वहीं पर ह्यूमन के हैप्लोइड कंटेंट की बात करें वहां पे होते हैं 3.3×10^9 बेस पेयर जो होते हैं वो मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके अंदर बात करते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे मेनली जो बात करेंगे वो डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड, वैसे तो हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देख चुके हैं बट यहाँ पर हमारा मेन कंपोनेंट होता है। अब न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 कंपोनेंट से, कौन कौन सा कंपोनेंट, सबसे पहले यहाँ पे आता है नाइट्रोजन बेस, देन आता है हमारा पेंटोज शुगर, एंड देन आता है हमारा फॉस्फेट। तो यहाँ पर टोटल जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, एंड थर्ड होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब यहां पर पहले बात करते लेते हैं पेंटो शुगर की। यहां पे बहुत ही आसान है, पेंटो शुगर होती है 2 टाइप की, एक होती है राइबोज, अगर आरएनए है तो यहां पे राइबोज शुगर होगी, और अगर यहां पे डीएनए तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगी। ये चीज क्लियर होगी। ओके, फॉस्फेट में कोई भी अलग अलग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होता। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, लिखा हुआ है 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, एक होता है हमारा प्यूराइन और एक होता है हमारा पाइरिमिडीन। एक होता है क्या, प्यूराइन, और एक होता है हमारा पाइरिमिडीन। जो प्यूराइन होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, एडिनाइन एंड जुएनाइन। याद रखने का तरीका है एजीपी, एजीपी जो है वो क्या है हमारा प्यूराइन है, एडिनाइन जुएनाइन पूरा क्या है प्यूराइन है। क्लियर है। और यहां पर जो साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन है वो क्या है पाइरिमिडीन है। क्लियर है। इसके अलावा मैंने इसको ऐसे याद रखवा रखा है कि जी ए पी यू गप्पू, यहाँ पर जी मतलब जुनोसाइन, ए मतलब एडिनाइन और पी यू मतलब प्यूराइन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है। ओके, और नेक्स्ट है पाइरिमिडीन, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन। अब देखिए पाइरिमिडीन, अगर डीएनए की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, डीएनए की बात करूं, तो यहाँ पे केवल 2 होंगे, एक होगा आपका साइटोसिन और एक होगा थाइमिन। क्लियर है। और अगर मैं आरएनए की बात करूं, किसकी बात करूं, आरएनए की बात करूं, तो एक होगा साइटोसिन, तो इसमें भी होगा, और एक होगा यूरेसिल, यानी थाइमिन जो है वो केवल डीएनए में मिलेगा और यूरेसिल जो वो केवल आरएनए में मिलेगा। ये चीज यहाँ पे लिख भी रखी। देखिए साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, थाइमिन जो होता है वो डीएनए में और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। ये चीज क्लियर होगी। अल्टीमेटली बात है कि अगर डीएनए है तो उसके अंदर 4 ही नाइट्रोजन बेस होंगे, कौन से होंगे, एक तो एडिनाइन, एक जुएनाइन, और एक होगा साइटोसिन और एक होगा थायमिन। और अगर आरएनए तो उसके अंदर भी 4 ही होंगे, कौन कौन सा, एक एडिनाइन, एक जुएनाइन, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल। ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको क्लियरली समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो ब्राउन कलर में दिए, ये पेंटो शुगर है। अब यहां पर पेंटो शुगर का मतलब पेंटो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, पेंटो का मतलब 5 कार्बन होंगे। क्लियर है। ओके, तो 5 कार्बन आपका पे, ये जो टी लिखा हुआ है यहां पर होता है फर्स्ट कार्बन, फिर यहां पर होता है सेकंड कार्बन, यहां पर होता है थर्ड कार्बन। ये देखो लिखा भी हो, थर्ड में ओएच ग्रुप, यहां पे होता है थर्ड कार्बन, फिर यहां पर होता है हमारा फोर्थ कार्बन, और ये कार्बन जो लिख रहा है ये हमारा फिफ्थ कार्बन हो गया। क्लियर हो गया।
तो इस टाइप से होते हैं हमारे 5 कार्बन। अब देखो जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन के साथ में हमारा जो अटैच होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है वो फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच होगा, और जो हमारा फॉस्फेट होता है वो हमारा होता है 5th कार्बन के साथ में अटैच। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, ये यहाँ तक का एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यानी टोटल यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल देखिए, अगर अब यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कितने पे होता है? 3rd ग्रुप में होता है। बट ये तो बात कर रहे हैं डीएनए की, ये बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और फिर एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट को हटा दूँ, केवल और केवल मैं नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्लियर है? और अगर न्यूक्लियोसाइड में मैं फॉस्फेट भी ऐड कर दूं तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ भी क्लियर हो गई? न्यूक्लियोसाइड क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया, कौन सा कार्बन पे कहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन बेस है, जो हमारा एडीनाइन है, जुएनाइन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AGCT इस टाइप से। तो ये A का मतलब है यहाँ पे एडीनाइन है, T का मतलब थाइमिन है, G का मतलब जुएनाइन है और C का मतलब साइटोसिन है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके अब देखिए यहाँ पर अगर एक ये वाला जो है ना 3rd पे कोई भी अटैच नहीं है तो इसको बोलते हैं 3rd एंड। ये हमारा हो गया 3rd एंड। अब देखिए 5th कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, इसलिए 5 फॉस्फेट लगा के छोड़ दिया। अब इससे आगे कुछ भी नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 5th एंड। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब इस टाइप से यहाँ पर जो है ना, इस टाइप से डायग्राम नहीं बनाते हम, सिंपल ऐसे डायग्राम बना देते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे सी, यहाँ पर लिख देंगे जी, यहाँ पर लिख देंगे टी, यहाँ पर लिख देंगे ए, तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये 3rd लगा देंगे और ये 5th लगा देंगे, तो मतलब ये 3rd एंड हो गया, ये 5th एंड हो गया, और ये पूरा यहाँ पर एक एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे जुएनाइन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे एडीनाइन है, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। इसीलिए ये चीज़ क्लियर होगी। मैं डायग्राम से बहुत कुछ समझा रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है जल्दी जल्दी कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए की। आरएनए पे देखिए ये फर्स्ट वाला कार्बन है जहाँ पर हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच है, पर यहाँ पर अगर आरएनए की बात करूँ तो ये जो सेकेंड है यहाँ पर भी एक OH ग्रुप होता है और उसकी वजह से ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है आरएनए। ये चीज़ क्लियर होगी? अब मैं यहाँ पर कुछ बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। अब देखिए बॉन्ड 3 प्रकार के बॉन्ड पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन बेस, ये जो पेंटोज शुगर, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन जो पेंटोज शुगर का है उसके साथ जब ये अटैच होता है ना, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? जो फॉस्फेट हमारा इस 5th कार्बन के साथ में अटैच हुआ है इसको बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब इस फॉस्फेट को देखिए, ये इस यहाँ पे ये जो 3rd कार्बन है इसके साथ में भी अटैच है और इस 5th कार्बन के साथ में भी अटैच है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे बोल देंगे फॉस्फो कितने बॉन्ड डाई, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोल देंगे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, जो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। यही चीज यहाँ पे अब थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, ये सब कुछ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यूरेसिल, ये सब कुछ करते हो, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो लिंक करता है OH ग्रुप ऑफ द फर्स्ट पेंटोज शुगर। जो फर्स्ट पेंटोज शुगर में जो OH होता है उसको रिमूव करके यहाँ पर जो वो क्या लग जाता है आपका नाइट्रोजन बेस लग जाता है थ्रू ए एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पर ये जो लिंकेज होती है वो मैं बता चुका हूँ कौन सी, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी और बना लेगा न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड बता चुका हूँ, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होती है वो आपकी न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। अब यहाँ पे क्या कहलाएगी? अगर यहाँ पे एडीनाइन ग्रुप एड है तो कहलाएगी एडिनोसाइन। ये आरएनए के लिए है। वहीं पर अगर डीएनए होगा तो वो डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्यों? क्योंकि पेंटोज शुगर यहाँ पर अलग अलग है इसीलिए। अगर यहाँ पे जुएनोसाइन अटैच है आरएनए की तो जुएनोसाइन, अगर डीएनए की है तो डीऑक्सी जुएनोसाइन। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर साइटिडिन, अगर यहाँ पे सी अटैच है तो वो कहलाएगी साइटोडिन आरएनए के लिए और डीआरएनए के लिए डीऑक्सी साइटोडिन। अगर वहाँ पे यूरेसिल अटैच है तो वहाँ पे यूरिडाइन कहलाएगी क्योंकि ये केवल और केवल आरएनए में होता है। डीऑक्सीथाइमिडीन कहलाएगी क्योंकि ये केवल और केवल डीएनए में होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो 5th कार्बन के साथ में अटैच है न्यूक्लियोसाइड में, वहाँ पे फॉस्फो एस्टर लिंकेज है। केवल और केवल ये वाला जो लिंक है वो फॉस्फो एस्टर है। कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड जो 3rd और 5th कार्बन के अटैच है तो वो फॉस्फो डाइएस्टर है। क्यों? क्योंकि ए फॉस्फेट के इधर भी है और इधर भी है, तो वो फॉस्फो डाइएस्टर कहलवाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन इन सच ए मैटर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड चेन।
और यहाँ पर इस टाइप से ये 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड इस टाइप से चलता है। अब मैं फिफ्थ एंड बता चुका था, फॉस्फेट मोटी द फिफ्थ एंड ऑफ द शुगर, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर इसको रेफर करते हैं फिफ्थ एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली द अदर एंड ऑफ, यहाँ पे शुगर जो है वो फ्री OH ग्रुप रहता है थर्ड कार्बन पे, उसको बोलते हैं थर्ड एंड। तो फिफ्थ एंड और थर्ड एंड आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। ये इस चैप्टर का बेस है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया यहाँ पे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए अब बैकबोन किसको कहते हैं, अगर हम नाइट्रोजन बेस को हटा दें, नाइट्रोजन बेस को ना बात करें, केवल और केवल फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर की बात करें, तो वो कहलाती है बैकबोन। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। केवल शुगर एंड फॉस्फेट कहलाती है हमारी बैकबोन। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो अंदर होते हैं, शुगर मोटिव फॉर्म द बैकबोन। अब यह चीज क्लियर होगी। ओके, अब ध्यान से देख लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले जो प्यूराइन कौन कौन से और पायरिमिडिन कहां से, यहां से 2008 और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोसाइड वाला पोर्शन, यहां से आपका 2013 और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां कहां पे होते हैं, AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर जितने भी मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं आरएनए की। तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि आरएनए पे सेकंड ग्रुप पे भी एक OH होता है। आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड पे वहां पे एडिशनल OH ग्रुप होता है एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, इन आरएनए द यूरेसिल इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। अब यहां पर आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है एज द प्लेस ऑफ थाइमिन। अब थाइमिन का एक और अलग नाम भी है, 5-methyl uracil, यानी थाइमिन को 5-methyl uracil भी बोला जा सकता है, जो कि एक अनदर केमिकल नेम है किसका, थाइमिन का। आपका यहां पे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहां पर डीएनए के बारे में। अब डीएनए जो होता है वो एसिडिक सब्सटेंस होता है, ये सबसे पहले न्यूक्लियस में होता है। ये सबसे पहले बताया था किसने, फ्रेडरिच मेस्चर ने इन 1869, और इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। इसका क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। और ये एसिडिक सब्सटेंस होता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कुछ होता है, क्या ये काम करता है, नहीं, इन्होंने ये बता दिया था कि डीएनए जो एक एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ये सबसे पहले इन्होंने बता दिया था। बट क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन थी और इतने सारे लॉन्ग पॉलीमर को हम बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम तक जो वो इल्यूसिडेट रहा, मतलब ये छुपा हुआ रहा, किसी को पता ही नहीं चला। और उसके बाद में एंट्री होती है 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंसिस क्रिक। इससे पहले वाला जो चैप्टर था स्टार्टिंग में साइंटिस्ट बताए थे, उनका फोटो भी दिया हुआ था, वही ये साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या लिया, एक डाटा लिया, किसका डाटा लिया, एक्सरे डिफ्रेक्शन का डाटा लिया, और वो डाटा जो था वो प्रोड्यूस किया हुआ था मॉरिस विल्कन और रोजालैंड फ्रैंकलिन ने। मतलब रोजालैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कन ने एक एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा जो था वो प्रोड्यूस किया हुआ था। उस डाटा को यूज करते हुए जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, जो डीएनए था उसमें सबसे पहले वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल जो था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने दे दिया। किन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने यह मॉडल दे दिया। अब देखिए इन्होंने दो चीज यूज की, एक तो डाटा एक्सरे डिफ्रेक्शन का, वो डाटा आया था मॉरिस विल्कन और रोजालिन फ्रैंकलिन के द्वारा। एक और हॉलमार्क था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डबल हेलिक्स के अंदर, वो क्या था, ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयर। जो मैंने आपको बताया था कि ए यहां पर अगर ए है तो इसके सामने टी है, यहां पर जी है तो इसके सामने सी है, इस टाइप से ये बेस पेयर कहलाते हैं। तो ये जो बेस पेयर बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं, अब आपको समझ आ गया दो स्ट्रैंड क्यों है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, इस तरह मैंने बताया था। ये इन्होंने कहां से उठाया, ये बेस पेयर वाला जो आइडिया था वो दिया था एरविन चारगाफ ने। देखिए, हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ दैट ए डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब काफी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहां पे कि ये जो आपका एरविन चारगाफ है ये केवल और केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर वर्क करता है। द रेशियो बिटवीन एडीनाइन एंड थाइमिन, ज्यूसिन एंड साइटोसिन जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ये सारा कॉन्स्टेंट होता है एंड इक्वल टू 1 होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपका AIPMT 2004 में, फिर NEET 2015 में और NEET 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादातर यहां पे परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सिंपल याद रखिएगा, A इज इक्वल टू T होता है प्लस G इज इक्वल टू C होता है, और ये सब कुछ 100% के इक्वल होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मतलब अगर एडीनाइन 30% दिया है तो यहां पर ये भी 30% होगा, ये दोनों इक्वल है तो इसको 2x कर लीजिए। अब ये 30 30 60 हो गया, तो 100 में से आप 60 माइनस कर लीजिए, बच गया 40, तो 2x इज इक्वल टू 40 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। अब यहां पे 20, यहां पे 20 करोगे तो ये आपका टोटल हो गया 100%। इस टाइप से यहां पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, क्योंकि रिवीजन है तो ज्यादा और डिटेल में जाएंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बता पाऊं, क्लियर है। ओके, अब जो बेस पेयर होता है वो यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, मतलब जैसे एडीनाइन है ना, एडीनाइन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा, और ज्यूनाइन है ना उसके सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। अब ध्यान से देखिए, ए और जी है वो प्यूराइन है,
क्लियर हो गया ओके। और जो टी और सी है वो पाइरिमिडिन है। हम डीएनए की बात करें, अगर यहाँ पे आरएनए होता तो इस टी की जगह यू आ जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पर हमेशा प्यूराइन के सामने हमेशा क्या आएगा, पाइरिमिडिन आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी। इसी तरह यहां पे ये बोला गया कि अगर हमें केवल एक का सीक्वेंस पता है, केवल एक ही स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, देन द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। क्यों? क्योंकि अगर ए दिया तो उसके सामने टी आना है, जी दिया है तो उसके सामने सी आना है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर चीज क्लियर होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ई स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए लेटेस्ट कॉल इट इज ए पेरेंटल डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट सिंथेसिस। अब टेम्पलेट का मतलब होता है सैंपल, यानी एक स्ट्रैंड को हम सैंपल की तरह यूज करेंगे और फिर उससे न्यू स्ट्रैंड जो उसको सिंथेसाइज कर लेंगे। क्लियर हो गया। और जो नया बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे डॉटर डीएनए, यानी डॉटर जो है वो पॉइंट वहां पे बनेगा। ये चीज क्लियर होगी ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखिए, द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल जो वेटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसमें एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, वही आने वाली है। इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक जो होगा वो इस टाइप से होगा, एक यहाँ पे थ्री एंड हो गया, एक फिफ्थ एंड हो गया। अब इसके सामने वाला ऑपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे थ्री आएगा, और यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे फाइव आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वेयर द बैकबोन, मैं बता चुका हूँ, शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनती है, और जो बेस होते हैं वो इनसाइड में होते हैं। दो चेन होती है वो एंटी पैरेलल चलती है। इट मींस इफ वन चेन इज पॉलिटी फाइव टू थ्री, अदर इज थ्री टू फाइव। यही मैं बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, तो दूसरे स्टैंड में यहाँ पे थ्री आएगा और यहाँ पे फाइव आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इससे डायरेक्टली लिंक होने वाली है। वहाँ पे कुछ चीजें आएगी जहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखिए, द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिससे बेस पेयर बनते हैं। अब ध्यान से याद रखना, ए और सामने आता है टी, जी के सामने आता है सी। देखिए लिखा हुआ है द एडीनाइन, दैट इज एडीनाइन, यहाँ पे फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे ए के सामने टी आता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे विद द थायमिन अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलर जुएनाइन साइन जो है उसके सामने थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, साइटोसिन विद द थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जी सी में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और ए टी में यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2008 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया ओके। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड होते हैं इनके बीच में इसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, बराबर डिस्टेंस होता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, द टू चेन आर कॉल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। अब ये राइट हैंडेड फैशन क्या होता है, ये कहीं को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, जब हम डीएनए होता है और उस डीएनए को ऐसे कॉइल कर देते हैं, मतलब आपके सामने दो स्ट्रैंड है और इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो इसको स्ट्रैंड को, तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब अगर आप बिल्कुल अपर साइड से देखोगे, जैसे आपका ये ग्लास है, मैं ये बोलता हूँ ये ग्लास है, इस ग्लास को जब ऊपर से देखोगे तो सर्कल ही दिखाई देगा ना। अगर साइड में से देखोगे तो ग्लास ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल अपर साइड में जाके देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा। तो अभी सर्कल में यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो यहाँ पर ये ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, मतलब फर्स्ट आपको जो है वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ दिखाई देगा, तो सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे, इस टाइप से चलेगा। उसको बोलते हैं राइट हैंडेड फैशन, इस टाइप से कॉइल होता है उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ओके। अब यहाँ पे जो पिच होती है ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज 1 मिलियन। अब ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हेलिक्स जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पर एक हेलिक्स जैसे ही कंप्लीट होगी, मतलब 360 डिग्री ये कंप्लीट होगा, तो इसके अंदर आ जाएंगे टोटल 10 बेस पेयर। कितने आ जाएंगे? 10 बेस पेयर। ऐसे समझाता हूं मैं आपको, देखिए मान लीजिए ये पूरा एक कंप्लीट होता है, एक सर्कल यहां से यहां तक, ये एक सर्कल कंप्लीट होता है। मान लेते यहां पे दो सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ये एक हेलिक्स कहलाएगा इतना, और इसके अंदर जो टोटल बेस पेयर आएंगे वो आएंगे 10 बेस पेयर। तो ये जो 10 बेस पेयर वाला ये जो टोटल लेंथ है ना वो 3.4 नैनोमीटर है, ये याद रखना है। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है कि ये कितना होता है 3.4 नैनोमीटर। बट दो बेस पेयर जो है, मतलब एक ये वाला बेस पेयर और एक ये वाला बेस पेयर, ये जो दो बेस पेयर है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आएगा 0.34 नैनोमीटर। ये चीज यहां पर दी हुई है, मेंशन की हुई है। देखिए अब रफली देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अब ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर। ये चीज आपको क्लियर हो गई, मतलब एक हेलिक्स के अंदर टोटल 10 बेस पेयर आते हैं। कंसीक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर क्या होगा, हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 नैनोमीटर। तो बिटवीन ए बेस पेयर, मतलब ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। और एक हेलिक्स में 10 आते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3.4 नैनोमीटर निकल कर आ जाएगा। बस ये बताने की कोशिश की है। अब ये जो डिस्टेंस दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कि एक बेस पेयर में इतना डिस्टेंस होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपको टोटल लेंथ निकल कर आ जाती है, वही यहां पे स्टार्टिंग में बताया था।
ये देख लो, यहाँ पर थर्ड एंड है, यहाँ पर फिफ्थ एंड है, यहाँ पर थर्ड एंड है, यहाँ पर फिफ्थ एंड है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बनाता हूँ, तो ये देखिए ए के सामने टी आ रहा है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए के सामने टी आ रहा है दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी के सामने टी आ रहा है थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखाया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी डायग्राम से, क्लियर है। अब देखो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टेक ओवर द अदर इन ए डबल, तो एक के ऊपर एक आते हैं, जैसे सीडीओ में आते हैं ना, एक सीडी वगैरह होती है, जैसे स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स में एक के ऊपर एक आते हैं, उस टाइप से यहाँ पर होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कंफर्म स्टेबिलिटी टू द हेलिकल, वो एडिशनल स्टेबिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, ओके। अब यहां तक सब कुछ हमने स्ट्रक्चर वगैरह देख लिए, अब हम आगे बात करते हैं। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। तो ये सब कुछ डीएनए का जो स्ट्रक्चर बता दिया तो ये एक रिवोल्यूशनरी था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में क्या होता है, वेरी सून उसके बाद में फ्रांसिस क्रिक, उसके बाद में केवल, पहले तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों थे, बट यहां पर ये केवल और केवल फ्रांसिस क्रिक ने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2013 और 2021 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये जो डायग्राम दिया हुआ सेंट्रल डोगमा जो भी बता रहा था ये काफी इंपॉर्टेंट। तो फ्रांसिस क्रिक जो है वो प्रपोज करते हैं सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बाय विच स्टेट दैट द जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो डीएनए से आरएनए में जाती है और आरएनए से प्रोटीन में जाती है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो वाला डायग्राम है ये आया हुआ है कई बार, यहाँ पे पूछ लेते हैं ए इस रेप्लिकेशन की जगह ए दे देंगे, यहाँ पे बी दे देंगे, यहाँ पे सी दे देंगे, एक डी दे देंगे कि साइंटिस्ट कौन सा था, जेम्स वॉटसन था, फ्रांसिस क्रिक था, तो ये भी याद रखना है। तो देखो डीएनए का डीएनए अगर वापस बना रहा है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए था उससे वापस डीएनए बना दिया तो रेप्लिकेशन, अगर डीएनए से आरएनए बना दिया, कौन सा आरएनए ये भी याद रखना है, एमआरएनए है, टीआरएनए, आरआरएनए है, कोई भी एक्स वाई जेड आरएनए है, यहां पर एमआरएनए दिया हुआ है, कौन सा आरएनए, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बना रहे तो कौन सा हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उस एमआरएनए को जब प्रोटीन बना रहे तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन, ये आपको याद रखना है सेंट्रल डोगमा के अंदर। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, कई बार क्या होता है एक रिवर्स डायरेक्शन में चलता है वायरस के अंदर, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, इसको हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला है जहां पे हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आएगा। तो कई बार जो वो इन्फॉर्मेशन आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोल रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, अब ये क्या जा रहा है रिवर्स जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, AIPMD 2010 में आ चुका है बट मैं आपको फिर बता चुका हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एड्स वाले पोर्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में, ओके। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेंथ होती है डीएनए की उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और यहां से नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। सबसे पहले देखिए हमने बात की थी कि जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, क्लियर है, और मीटर में अगर हम बात करें तो वो होगा 10^-9 मीटर, क्लियर हो गया। अब इसमें लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला ले रखा है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स इज अ टिपिकल मैमिलियन इज कैलकुलेटेड सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव बेस पेयर, सिंपल समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेमेलियन सेल का लिया गया है जिसके अंदर ये बोला गया कि यहाँ पर जो है वो 6.6 × 10^9 बेस पेयर है, और अगर डिस्टेंस देखें दो बेस पेयर के बीच में तो वो 0.34 × 10^-9 मीटर है, क्लियर है। तो जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 2.2 मीटर, यानी ये एक टिपिकल मेमेलियन सेल का जो वो डिस्टेंस निकल कर आता है जो ह्यूमन की बात करते हैं। लेंथ होगी वो फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की अगर हम डायमेंशन देखें तो वो 10^-6 है बट लेंथ इसकी निकल कर आई है 2.2 मीटर। तो अब ये पूछा गया कि इतना लॉन्ग पॉलीमर जो वो कैसे पैक होता है एक सेल के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, देन हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक की बात करें जैसे आपके ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वहां पर, ये पता है कि वहां पर एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती हमारे पास में, पर उसके अलावा अगर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं भी है तो भी जो डीएनए है वो ऐसा नहीं कि स्कैटर्ड कर जाएगा पूरे सेल के अंदर, ऐसा नहीं होता है, वहां पर न्यूक्लियस नहीं होती है बट न्यूक्लियोइड होता है। अब होता कैसे है, अब देखिए डीएनए जो है वो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इससे पहले हमने बात की थी कि ये डीएनए जो है वो एक क्या है आपका एसिडिक है, तो अब दो चीजें याद रखनी है, डीएनए आपका एसिडिक होता है इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो अब यहां पर अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटीन होगी उसके साथ में उसको अटैच कर देंगे। तो अब ये जो डीएनए प्रोकैरियोटिक की बात करें वहां पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वहां पे कुछ सम प्रोटीन दैट है पॉजिटिव चार्ज है जिन प्रोटीन के पास में वो उसको एक जगह बांध के रखेगी इन ए रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, वहां पर उस टर्म को न्यूक्लियोइड बोले जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह नहीं होती है। अब डीएनए जो होती है वो न्यूक्लियोइड के अंदर ऑर्गेनाइज रहती है लार्ज लूप्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन, ये चीज क्लियर होगी, ओके।
अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। अब आपको ये याद रखना है डीएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं यूकैरियोट की। यूकैरियोट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमारा डीएनए कॉम्प्लेक्स हो जाता है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसमें मतलब पैकिंग जो है डीएनए की पैकिंग वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पर तो सिंपल नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए था उसको पॉजिटिव चार्ज के साथ कर दिया, बट यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे होती है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी हम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होगी, इसके अलावा बेसिक प्रोटीन होगी, दो चीज़ क्लियर हो गए। क्योंकि नेगेटिव जो आपका चार्ज है वो किसके पास है, डीएनए के पास में, इसके अलावा एसिडिक जो है वो भी कौन है, डीएनए। तो इनको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिवली एक पॉजिटिव, एसिडिक के लिए बेसिक प्रोटीन हो गई, उस प्रोटीन को नाम दे दिया हमने हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर हो गया। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन होती है वो रिच होती है बेसिक अमीनो एसिड, कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। आपका नीट 2020 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद रखना, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन मिलती है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड हिस्टोन के पास में जो है वो है आपके लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है। इसके अलावा यहाँ पर कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों जो अमीनो एसिड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को लिया गया है पैकिंग करवाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारी हिस्टोन जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है 8 मॉलिक्यूल की और बनाती है हिस्टोन ऑक्टामर, मतलब टोटल ऐसे 8 जो होंगी आपके, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाए मैंने, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप के 8 जो प्रोटीन होगी वो एक जगह एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर रैप कर जाएगा आपका डीएनए, और वो जो डीएनए रैप करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो होगा आपका न्यूक्लियोसोम। क्लियर है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको 200 बेस पेयर मिलेंगे डीएनए के। क्लियर है। अब आपके सामने ये डायग्राम रहा, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसोम दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है हिस्टोन ऑक्टामर, यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे इस टाइप से, तो ये टोटल 8 प्रोटीन है। ओके, कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाहर आप देखोगे ऐसे डीएनए जो है वो रैप किया हुआ है इस टाइप से। क्लियर है। और इस एक डीएनए के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है, ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो H1 हिस्टोन दिखाई दे रहा है ये हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, एक अलग से प्रोटीन होती है जो इसको यहाँ पर बाउंड करके रखती है ताकि यहाँ पे ये जो आपका हेलिक्स जो है इसके बाहर रैप किया है वो लूज ना हो जाए, इसलिए। क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम होता है ना वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है और फिर वो बन जाती है क्रोमेटीन। क्या बन जाती है, क्रोमेटीन जो होती है आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसको आप पढ़ चुके हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th के अंदर, इसके अलावा सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी पढ़ चुके हो। यही जो क्रोमेटीन होते हैं वो आगे कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो क्रोमेटीन के अंदर जो आपके न्यूक्लियोसोम है ना वो कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं, जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोतियों की माला होती है, कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। मतलब ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। अब आपके सामने है देखिए यहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये आपको डो 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 दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम और ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, क्रोमेटीन फाइबर है। ये चीज़ क्लियर होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रोमेटीन फाइबर वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2010 में 11 में और 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब मैंने बात की थी यहाँ तक, तो ये होता है क्रोमेटीन फाइबर। बट अब अगर आप जाते हो मेटाफेज के अंदर, कौन सी स्टेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता है कि ये जो क्रोमेटीन फाइबर होते हैं वो फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो अब इसका मतलब हमें एडिशनल प्रोटीन चाहिए होगी। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल है देखिए, वो पैकेजिंग करने के लिए, कौन से पैकेजिंग करने के लिए, जो क्रोमेटीन फाइबर है उनको हायर लेवल पे पैकेजिंग करने के लिए हमें एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और उन प्रोटीन को बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लियोसोम बनाता है, बट नॉन हिस्टोन जो होता है वो क्रोमोसोम बनाने के काम आता है। अब जब यहाँ पर ये जो क्रोमेटीन फाइबर है इनकी वापस पैकिंग हो रही होगी, तो ये कहीं पर तो टाइट पैक हो जाएगा और कहीं पर ये लूज पैक होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ द रीजन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट आर रेफर एज द यू क्रोमेटीन। कहीं कहीं पर पैकिंग काफ़ी लूज रह जाती है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रोमेटीन वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटीन बोलते हैं। बट कोई ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है क्रोमेटीन, जहाँ पे मोर डेंसली पैक्ड हो जाता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटीन। क्या बोला जाता है, हेट्रोक्रोमेटीन बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो ये हेट्रोक्रोमेटीन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। अब आप ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोगमा में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनाना होता है, ये काम हेट्रोक्रोमेटीन नहीं कर पाता है। देखिए लिखा है, यू क्रोमेटीन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव वेयर एज हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, केवल यू क्रोमेटीन करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर है। ओके,
अब ये चीज़ें तो हमें पता चल गई है। अब देखिए, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, अब हमने ये सब कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर पता कर लिया है, बट एक्चुअल में जो डीएनए वगैरह था ना, उसमें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो कहाँ पर होता है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने मेंडल वगैरह देखा था, इसके अलावा मेस्चर ने भी बताया था कि हाँ न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा एसिडिक सब्सटेंस होता है, और मेंडल ने भी बताया था कि हाँ ऐसे कुछ फैक्टर वगैरह होते हैं, बट जो डीएनए होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ये प्रूव नहीं कर पाए थे, ना ही डिस्कवर हुआ था कि ये जो सारा काम कर रहा है ये डीएनए कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए 1926 तक क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हो गए थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे ग्रीगर, मेंडल, वोल्टर, सटन, थॉमस एंड मॉर्गन वगैरह, सब साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि हाँ कुछ एक क्रोमोजोम होते हैं और वो लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट अब तक ये नहीं पता था कि वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है वगैरह कौन सा है। तो इसी के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए थे, और सबसे पहला यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आता है एनसीईआरटी के अंदर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये किया गया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रीफिथ के द्वारा, नीट 2014 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब फ्रेडरिक ग्रीफिथ ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, बट एक्चुअल में ये खुद भी नहीं बता पाए थे, ये यूं ही एनसीईआरटी में एक पेज कवर करने वाली बात होती है। अब देखिए वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है, सिंपल सिंपल समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो निमोकोकस बैक्टीरिया था, उसको एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया। अब यहाँ पर जो न्यूमोनिया था वो दो टाइप का था, एक एस जिसको शाइनी कॉलोनीज जो प्रोड्यूस हो रही थी, और एक आर जहाँ पे रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर प्लेट है, एक के अंदर आर स्ट्रेन और एक के अंदर एस, आर का मतलब यहाँ पे रफ है और एस का मतलब यहाँ पे शाइनी स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही है। अब ये एस क्यों है, स्मूथ क्यों है, क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था ना, उनके पास में था म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, क्लियर हो गया, जबकि आर स्ट्रेन के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, म्यूकस वगैरह पॉलीसेक्राइड की कोई भी कोटिंग नहीं थी, इसलिए वो रफ था, और जबकि स्मूथ वाले के पास में म्यूकस था, पॉलीसेक्राइड कोट थी। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन सा वायरुलेंट है, यानी किसकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, इसको देखने के लिए एक माइस लिया गया, मतलब एक चूहा पकड़ा गया, और उसके अंदर पहले एस स्ट्रेन डाला गया और दूसरे के अंदर आर स्ट्रेन डाला गया, क्लियर हो गया। ओके, तो जिसके अंदर एस स्ट्रेन डाला ना, वहां पर वो माइस जो था वो क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी, और जिसके अंदर आर स्ट्रेन डाला ना, वो क्या हो गया, उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब जो एस स्ट्रेन वाला था, जो स्मूथ वाला था, उसने स्मूथली जो है वो अपना काम कर दिया और माइस की डेथ हो गई। तो अब फ्रेडरिक ग्रीफिथ ने क्या किया, अब इन्होंने जो एस स्ट्रेंथ वाला था ना, उसको हीट किल कर दिया, मतलब उसमें काफ़ी हीट दी गई, उसके बाद में उसको इंजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर माउस की कोई भी डेथ नहीं हुई। अब ध्यान से देखिए, जब नॉर्मल दिया गया तो वहाँ पे माउस की जो डेथ हो गई, बट जब यहाँ पर इसको हीट किल करके डाला गया तो यहाँ पर डेथ नहीं हुई। तो उसने सोचा कि भाई जब हीट किल कर रहे हैं तब भी डेथ नहीं हो रही, सिंपल आर डाल रहे हैं तब भी डेथ नहीं हो रही, केवल यहाँ यहाँ पर डेथ हो रही है, तो चलो जान बचाते हैं, असल में जान नहीं बचा रही, वो मार ही रहे हैं, तो इन दोनों को मिला लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों को मिला लिया और फिर इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे वापस उसकी डेथ हो गई। अब ये सब कुछ करने के बाद में ये बोले कि भैया बात ऐसी है, जो मैंने हीट किल करके एस डाला था ना, जो एस बैक्टीरिया न्यूमोकोकस वाले डाले थे, उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो आर बैक्टीरिया है ना, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इस पर आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म का मतलब अपनी शेप साइज वगैरह चेंज कर लेना, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेना। इसके ऊपर मूवीज वगैरह भी है ना, ट्रांसफॉर्म्ड, इस टाइप से अलग अलग पार्ट, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो एलियन आते हैं, वो गाड़ी वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस टाइप से। वो मूवी को छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बोला है कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से, पर वो कैसे हो रहा है, कौन उसको करवा रहा है, ये सब कुछ बताया नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा उन्होंने, हैड अनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेक्राइड, यानी जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड तो हो चुका है, बट उसके पास अब भी कुछ ऐसी चीज रही है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन को उसने एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है एंड बिकम वायरुलेंट हो रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कह रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भेजा गया होगा तभी कुछ ऐसा। हाउएवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड, तो भैया जब बायोकेमिकल नेचर अभी नहीं पता चला तो ये क्या चूहे मारने वाले काम कर रहे हो तुम। तो ये ऐसा ही बकवास सा एक्सपेरिमेंट है, पर एनसीईआरटी ने अभी तक इसको इंक्लूड कर रखा है, मुझे तो इसमें कुछ समझ ऐसा खास आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पर तीन साइंटिस्ट आते हैं, ओवेल्ड, कॉलियन मैक्लियर्ड और मैक्लियन मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट जो वो कब से कब तक, 10 ईयर तक जो काम करते रहते हैं, 1933 से लेकर 44 तक।
अब ये क्या काम करते हैं, ये सोचते हैं द जेनेटिक मटेरियल वाज स्टोर्ड टू बी प्रोटीन, ये कहते हैं कि हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो। तो अब ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, वही जो ग्रिफिथ ने चूहे मारने वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसी में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसको क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया है ग्रिफिथ का, याद रखना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ कर रहा था उसी में जो वो सब कुछ ले रहा था बैक्टीरिया वगैरह, उन्हीं पे वर्क करते हुए इन तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए उन्होंने जो है वो सिंपल सिंपल एंजाइम ले लिए, एंजाइम लेके उनको डाइजेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब उनमें ये था कि या तो प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल। अब जो वो हीट किल्ड एस सेल वाला था ना, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे डिस्कवर दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीओज, सबसे पहले वहाँ पर प्रोटीओज डाला और फिर उसको बाद में वापस वहाँ पर उसको वर्क कर दिया गया, आर स्ट्रेन के साथ में मिला दिया गया। अब ये क्या देख रहे हैं कि हाँ भैया आर स्ट्रेन वापस एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, वापस चूहे मर रहे हैं, तो फिर उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, यानी आरएनए को डाइजेस्ट कर देखते हैं। तो अब भी क्या हो रहा है, आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वही चूहे मारने वाली कहानी आगे चल रही है। तो इन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के बाद में भी ट्रांसफॉर्मिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, फिर उन्होंने क्या यूज़ किया, डाइजेस्टिंग विद द डीएनएज, यानी जो डीएनए को डाइजेस्ट कर जाए, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये डीएनएज यूज़ किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम था वो रुक गया, यानी अब आर स्ट्रेन जो था वो आर स्ट्रेन ही रहा, वो एस में नहीं हुआ, मतलब इस बार चूहों की जान बच गई। तो इन्होंने कहा दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हेरिडिटी मटेरियल डीएनए, बट सभी बायोलॉजिस्ट इस बात को नहीं माने, उनको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं लगा कि क्या बार बार चूहे मार रहे हो। तो उसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है एल्बर्ट हर्शे एंड मार्था चेज 1952 के अंदर, और ये ऐसा प्रूफ देते हैं दैट इज अन इक्विवोकल, मतलब अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये सिंपल ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बता देते हैं कि भैया ये देख लो डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए प्रोटीन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब ध्यान से याद रखें, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वायरस के ऊपर किया था, और वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्टेड वायरस आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ये याद रखना, कई बार बैक्टीरियोफेज वगैरह आता रहता है। तो इन्होंने किया क्या, कैसे क्या कुछ किया, तो सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो ये होता है कि यहाँ पर वो सबसे पहले कुछ वायरस को ग्रो करते हैं एक मीडियम में जहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब ध्यान रहे, जो फॉस्फोरस है वो हम पढ़ के आए हैं डीएनए के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब है डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, ठीक है, बट प्रोटीन जो होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, उसके पास में सल्फर होता है। तो अब याद रहे, डीएनए के पास में फॉस्फोरस है, सल्फर नहीं है, और प्रोटीन के पास में सल्फर है बट फॉस्फोरस नहीं है, इस बेस पे ये दोनों अलग अलग हो गए, मतलब डीएनए के पास में फॉस्फोरस होगा और प्रोटीन के पास में सल्फर होगा। तो इन्होंने वही लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। अब देखिए ध्यान से, उन्होंने कुछ वायरस को ग्रो करवाया कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सब अदर मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, याद हो गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवा दिया, मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे वायरस थे उनको आधा आधा किया, एक को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवा दिया गया और एक को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवा दिया गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब वहाँ पर उनको बैक्टीरिया के अंदर डाला गया, देखिए लिखा हुआ है वायरस ग्रो इन ए प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। अब जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया था वहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्यों, क्योंकि डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नो प्रोटीन डज नॉट। वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है कि प्रोटीन के पास में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है, क्लियर है, और डीएनए के पास में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है, तो ये यहाँ पे बताया गया। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, यानी जो सल्फर वाले वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन है बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए के पास में सल्फर नहीं होता है। तो यही एक्सपेरिमेंट है, अब यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास आधे बैक्टीरिया इधर है, हाफ इधर है, तो एक एक बैक्टीरिया उसमें से निकाल लिया गया है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, अगर आपको याद हो। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरियोफेज निकाला गया, ये वाला वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाता है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है, क्या है, सल्फर है। अब सल्फर इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है कि वायरस की जो बाहर वाली कोटिंग होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है,
तो इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या है कि बाहर वाली जितनी भी कोटिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रोटीन की बनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर जाता है और यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जब इस बैक्टीरिया को वापस स्टडी किया जाता है तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फर जो होता है वो केवल और केवल प्रोटीन के पास में होता है, डीएनए के पास में नहीं होता है, बट यहाँ केवल डीएनए आया है इसीलिए। पर वो फिर बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पे आपको सल्फर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होता है। तो ये हो गया चीज, यहां पे ये क्लियर हो गया कि यहां पे केवल और केवल प्रोटीन वाला है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस लिया जाता है। अब फॉस्फोरस में वापस वही रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया जाता है, फिर उस वायरस को बैक्टीरिया के पास में रखा जाता है, फिर वो वायरस जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे डाल दिया जाता है, फिर उस जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ चुका है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका डीएनए आ चुका है। और फिर बाहर वाले को देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका मतलब प्रोटीन नॉर्मल थी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोला जाता है? हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सबसे पहले इन्फेक्शन करवाया जाता है, फिर ब्लेंडिंग और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के यहाँ पे पता लगाया जाता है। तो ये सब कुछ था अनइक्विवोकल प्रूफ। अब यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव फेसेस वर अलाउड टू ई कोलाई बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड प्रोटीन होता है, सब कुछ वायरल कोटिंग वगैरह आती है, फिर उसको ब्लेंड किया जाता है, फिर उसको सेपरेट करके सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव आया है या नहीं और ये पास वगैरह हो जाता है। तो ये डायग्राम से ही हमने समझा दिया, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये चीज़ क्लियर हो गई, बट मेरे मन में अभी एक डाउट रह गया क्योंकि आरएनए के पास भी तो फॉस्फोरस होता है, आरएनए और डीएनए का इन्होंने कैसे पता लगाया? इससे अच्छा तो वो पहले वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने तीनों एंजाइम यूज करके बताए, बट इन्होंने ये एनसीईआरटी नहीं बोला कि ये अनइक्विवोकल प्रूफ था। तो ठीक है भैया, हमें एनसीईआरटी बोलना है क्योंकि एनसीईआरटी हमारे यहाँ पे देवता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर है? और जहाँ से आ रहा है वहाँ से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेज आरएनए के बारे में। तो अब तक हम ये बात कर चुके हैं कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है अनइक्विवोकली, ये जो रिजोल्व हो चुका था किसकी वजह से, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने पढ़ा इसकी वजह से। क्लियर है? बट अब भी यहाँ पर क्लियर डाउट नहीं था क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें बाद में किस पे आ रही थी, डीएनए वर्सेस आरएनए में आ रही थी। क्यों? क्योंकि इन सम वायरस में जो है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था। फॉर एग्जांपल टोबेको मोज़ेक वायरस या फिर क्यू बी बैक्टीरियोफेज की बात करें तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, आरएनए है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें भी आप में डिबेट आ चुकी थी कि डीएनए जो है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए है। तो यहाँ पर इसके लिए चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो यहाँ पे जिसका आंसर सही आएगा उस हिसाब से उसको डीएनए या फिर आरएनए बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी अगर किसी जेनेटिक मटेरियल को, अगर डीएनए या आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो इनको ये चार क्राइटेरिया कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। यानी यहाँ पे रेप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर डीएनए है तो वो डीएनए का डीएनए बना पाए या फिर आरएनए है तो वो आरएनए से आरएनए बना पाए, दैट इज रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। यानी स्टेबल होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तब भी और केमिकली यानी रिएक्टिव टाइप देखें तब भी स्टेबल होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज। स्टेबल तो होना चाहिए ये तो बिल्कुल नो डाउट, बट फिर भी उसके अंदर स्लो चेंजेस होने चाहिए, दैट इज म्यूटेशन होना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फोर्थ आता है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। जो मेंडेलियन कैरेक्टर पढ़ गए थे उस फॉर्म के अंदर वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सप्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले की बात करें रेप्लिकेशन, तो डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों रेप्लिकेट करते हैं, बट जो प्रोटीन होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता, तो ये यहीं से बाहर हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो यहाँ पर जो आपका डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये जो है वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आती है पेंटोस शुगर के अंदर, उसकी वजह से वो लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव हो जाता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर स्कोप और स्लो चेंजेस, तो डीएनए के अंदर स्लो चेंजेस होते हैं और आरएनए के अंदर जो होते हैं वो फास्ट चेंजेस होते हैं, ज़्यादा जल्दी चेंजेस होते हैं।
फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, तो जो आरएनए होता है वो आपका प्रोटीन बनाता है, उस हिसाब से जो है वो मेंडेलियन करेक्टर शो होते हैं, बट डीएनए डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकता है, डीएनए को डिपेंड होना पड़ता है आरएनए पे। ये पॉइंट चारों के चारों पॉइंट हमें याद होना चाहिए, यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ये डाउट जो है अभी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करते हैं, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए जो और आरएनए दोनों के दोनों एबिलिटी टू डायरेक्ट ड्राइव देयर डुप्लीकेशन, यानी डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, बट जो आपकी प्रोटीन है वो फेल हो जाती है पहले क्राइटेरिया को कंप्लीट करने में, यानी प्रोटीन जो वो रेप्लीकेट नहीं करती है, तो यहीं से प्रोटीन बाहर हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और साइक्लिकली वहाँ पे स्लो चेंजेस आने चाहिए, तो सिंपल यहीं से हमें पता चल जाता है कि देखिए द डीएनए दैट हैज द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वहां पर हमने देखा भी था कि वहां पर हीट किल्ड कर दिया गया था, फिर भी जो है वो डीएनए वहां पर कुछ बच गया था अमाउंट में, और उसने आर को एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसका मतलब जो है वो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि डीएनए जो था वो आपका ज्यादा स्टेबल था। तो फिर आप कहोगे आरएनए भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो हमें अभी अभी बताता है कि सेकेंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आरएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इजीली डिग्रेडेबल भी हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके हैं, आरएनए जो होता है वो आपका कैटालिटिक मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यहीं से पता चल जाता है कि डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव और मोर स्ट्रक्चरली स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए, इसीलिए यहाँ पर दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटीरियल निकल कर आता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो थाइमिन होती है डीएनए के पास में और आरएनए के पास में यूरेसिल होती है, तो यूरेसिल भी जो एक कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, थाइमिन ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। इसके बारे में हायर क्लासेज में लिखा हुआ है, अब आप आगे एमबीबीएस वगैरह में पढ़ना। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो यहाँ पर दोनों के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, बट आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल है तो वो म्यूटेशन करेगा ज़्यादा फास्टर रेट पे। ये हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, जहाँ पे बोला था कि स्लो चेंज होना चाहिए, बट आरएनए ज़्यादा फास्ट चेंज पे जो वो आपका म्यूटेशन करता है, इसीलिए वायरस हैविंग आरएनए जीनोम हैव हायर शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवोल्व फास्टर होते हैं, इसलिए स्लो चेंजेस चाहिए तो वहां पर डीएनए आएगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि मेंडेलियन कैरेक्टर में कौन शो करेगा, तो आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली कोड करता है सिंथेसाइज के लिए, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, तो इसलिए वो कैरेक्टर को इजीली एक्सप्रेस कर पाएगा। डीएनए को डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर, आरएनए के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, इसीलिए यहां पे जो मेंडेलियन कैरेक्टर में है यहां पर अगर हम डिस्कशन करें तो आरएनए आपका आगे निकल कर आता है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में आरएनए जो वो ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर। बट हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं, जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रेफर टू स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसीलिए डीएनए जो है वो ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। बट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन को आगे पास आउट करना है तो वहाँ पे आरएनए बेटर है, इसीलिए डीएनए से आरएनए बनता है पहले फिर प्रोटीन बनता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था, तो सिंपल है, आरएनए जो था वो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, बाद में उसमें कुछ चेंज आए और वो ज़्यादा स्टेबल होता गया और वास्तव में आरएनए से ही बना आपका डीएनए। बहुत सारे एविडेंस भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग वगैरह अराउंड द आरएनए। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग वगैरह होता है, वो सब कुछ आरएनए के अराउंड में है। इससे साफ साफ पता चलता है कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, पहले वो जेनेटिक मटेरियल की तरह होता था, एज वेल एज कैटालिटिक, देर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम के अंदर होती है जो आरएनए के द्वारा कैटालाइज की जाती है, प्रोटीन एंजाइम के द्वारा नहीं की जाती है। बट यहां पर जो है वो आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, तो इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है डीएनए जो है वो इवोल्व हुआ है किससे, आरएनए से, विद केमिकल मॉडिफिकेशन उसके अंदर हुए और आपका आरएनए से डीएनए बन गया जो ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी आ गए जिसकी वजह से वो इवोल्व करने के अंदर भी और रिपेयर करने के अंदर भी काफी हेल्पफुल हुआ था। अब हम सेंट्रल डोगमा वाला प्रोसेस एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए से डीएनए बनाने वाला यानी रेप्लिकेशन, पहले हम रेप्लिकेशन के बाद में बात करेंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनाने वाला ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा लगभग हाफ चैप्टर चला जाएगा।
सबसे पहले बात करते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। तो यहाँ से ही आपको पता कि वॉटसन एंड क्रिंक ने जो था वो बताया था किसके बारे में, स्ट्रक्चर जिसका डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट इट हैज नॉट एस्केप्ड ओवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, जो स्पेसिफिक पेयरिंग है, वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्टिंग ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, यानी वो एक दूसरे से अलग अलग स्ट्रैंड बना सकते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिंक ने 1953 में अंदर बोल दिया था कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो सकता है, और वही चीज़ आगे जाकर काम भी आई, और वहीं पे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया भी हुआ है। देखिए, द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टेम्पलेट का मतलब होता है सैंपल, यानी यहाँ पर दो स्ट्रैंड होंगे, उसको अलग अलग कर देंगे और फिर वहाँ से नए स्ट्रैंड बनाएंगे, तो जो पुराने वाले स्ट्रैंड है वो सैंपल की तरह काम होंगे, यानी उन्हीं को देखकर बनाएंगे, क्योंकि प्यूराइन ऑलवेज कम टू पिरिमिडिन, जो हमने बात की थी, यानी अगर ए है तो उसके सामने टी है तो उसके सामने ए है, इसी तरह जी है तो उसके सामने सी है, और सी है तो उसके सामने जी है, तो इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गया? ओके, तो यही चीजें यहां पर बताई गई। देखिए आगे लिखा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज। यानी यहां पर अगर दो स्ट्रैंड थे तो अब यहां पर ये जब बनाएंगे तो एक तो पहले वाला स्ट्रैंड ही रह जाएगा, उसके साथ नया बन जाएगा, यहां पर भी पहले वाला स्ट्रैंड बन रहेगा और एक नया बन जाएगा। तो ये वाले जो स्ट्रैंड है, ये वाले कौन से हैं, न्यू स्ट्रैंड है, और ये जो पुराने वाले हैं वो पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो यहां पर दो स्ट्रैंड में से एक ही नया बना है, एक तो पुराने वाला है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यहां पर ये जो है, दिस स्कीम को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि सेमी हाफ जो इन्फॉर्मेशन है तो वही कंजर्व की है, जो पहला स्ट्रैंड था वही अभी तक है, केवल हाफ ही जो है वो स्ट्रैंड नया बना, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए होता है, ये कहाँ से आता है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। देखिए, इट हैज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर एक प्रूफ दिया गया था किसके द्वारा, इट वॉज फर्स्ट इन ई कोलाई। अब ई कोलाई क्या होता है, आपका एक बैक्टीरिया होता है, यानी सबसे पहले बैक्टीरिया यानी ई कोलाई के अंदर इस चीज को दिखाया गया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद में पता चला कि ये हायर ऑर्गेनिज्म भी सेम होता है। यहां से आपका AIPMT 2009 और 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये ई कोलाई यानी बैक्टीरिया के अंदर बताया गया था, सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स के अंदर ये चीज़ें बाद में आ गई थी। अब ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने, और कब किया था, 1958 के अंदर किया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बायोमोलिक्यूल चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही थी बार बार, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन था तो यहाँ पर इन्होंने वही नाइट्रोजन लिया, बट इन्होंने हैवी आइसोटोप लिया। क्या लिया, हैवी आइसोटोप लिया, यहाँ पर देखिए 15N लिया, मतलब नाइट्रोजन नॉर्मली 14 होता है बट इन्होंने 15 लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोजन का 50 आइसोटोप लिया, और आइसोटोप लिया तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो हैवी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसको ग्रो किया किसके अंदर, 15NH4Cl के अंदर एक मीडियम ले लिया, और वहां पर जो नाइट्रोजन सोर्स था वो दे दिया गया। क्लियर है? तो यहां से हुआ क्या, ये वाला जब मीडियम दिया गया तो वहां पर जो भी डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजन थे बन रहे थे उनके अंदर ये जो आपका N15 वाला नाइट्रोजन है वो आ गया और उनके डीएनए के अंदर चला गया। ये चीज क्लियर हो गई? वॉज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन टू जनरेशन केवल यही नाइट्रोजन के अंदर रखा और इसी नाइट्रोजन से उनको फूड देते रहे, तो एक टाइम पे उनके डीएनए के अंदर जो था N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और जो बार बार नया डीएनए बन रहा था उसके अंदर जो है वो डीएनए आ गया N15 वाला हैवी वाला, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये जो हैवी डीएनए है कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, एक मीडियम लेंगे सीजियम क्लोराइड का, उन दोनों के अंदर डालेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे, तो सीजियम क्लोराइड के अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे हमें नॉर्मल यानी N14 और N15 वाले में डिफरेंस पता चल जाएगा। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो N15 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था, केवल और केवल डेंसिटी की बेस पे यहाँ पर लिया गया था, यानी नाइट्रोजन N15 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ।
एक बार इसको भूल जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले को, इसके बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया तो इसके पास में भी N15 आ गया और इसके पास में भी N15 आ गया। मैं इसको किलोग्राम में लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब अगर दोनों स्ट्रैंड 15-15 है तो टोटल वेट आएगा 30 किलोग्राम। अब यही बात है कि ये दो स्ट्रैंड जो थे एक डीएनए के, ये अलग अलग होंगे, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, और फिर नए स्ट्रैंड जो वो सिंथेसाइज होंगे इसी को देखते हुए। अब यहां पर हो क्या रहा था, एक बार तो इसको N15 वाले मीडियम में ग्रो करवा लिया गया, तब तक करवाते रहे जब तक यहां पर दोनों स्ट्रैंड N15 वाले नहीं होंगे। फिर इस जो ई कोलाई था उसको नॉर्मल मीडियम में भेज दिया गया, जहां पे N14 मीडियम उनको दिया गया। उससे हुआ क्या, जो अब न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए थे वो केवल और केवल N14 बना रहे थे। तो यहां पर N15 वाला पहले से था ओल्ड वाला, अब जो नए बन रहे थे वो 14 वाले बन रहे थे, नए वाले बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, 14 वाले। तो अब यहां पे देखिए, यहां पर दोनों स्ट्रैंड 15-15 वाले हैं, तो मैं मान रहा हूं ये 30 kg के मान रहा हूं मैं, इनको kg क्यों लिया ये भी आपको समझ में आएगा। यहां पर एक 15 वाला है एक 14 वाला, यहां पर भी एक 15 वाला है और एक 14 वाला है। 15-14 कितने हो गए, 29 kg हो गया। तो यहां पर ये हाइब्रिड हो गया, मतलब इससे थोड़ा सा लाइट हो गया, सबसे हैवी 30 kg, उससे कम वाला 29 kg। उसके बाद में यहां पर देखा, जब उसको कंटिन्यू ग्रो करवाते रहे तो अब जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ था उसने दोनों स्ट्रैंड ही नॉर्मल ग्रो किए। अब आप ये याद रखना कि अब ये कितने भी ग्रो करवा ले, N15 वाले इसके अंदर दो स्ट्रैंड रहेंगे जो स्टार्टिंग में थे, उसके बाद में कोई भी नया स्ट्रैंड N15 वाला नहीं आएगा, क्योंकि अब यहां पर मीडियम जो है वो नॉर्मल दिया जा रहा है। तो N14 वाले जब ग्रो करवा रहे थे 28 kg, यानी सबसे लाइट है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब इसको समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो सबसे हैवी चीज यहां पे आएगी, उसके बाद में उससे लाइट यहां पे आएगी, सबसे लाइट यहां पे आएगी। तो यहां पर जो आएगी वो 30 kg, यहां पे आएगी 29 kg और यहां पे आएगी 28 kg। यही चीज बताइए, देखिए रेड बिल्कुल इस पॉइंट के पास में, हाइब्रिड वाला थोड़ा सा बीच में और ग्रीन वाला थोड़ा सा इधर है, रेड वाला यहां पर आता, क्लियर है। पर प्योर रेड यहां पर है नहीं, ना प्योर रेड यहां पर है, केवल हाइब्रिड हाइब्रिड वाले हैं यहां पर दोनों के दोनों, और यहां पर ये आपके हाइब्रिड और नॉर्मल वाले हैं। ये मेन जो आपका हैवी वाला है ये यहां पर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहां पर इनको यूज नहीं किया गया वेट के अकॉर्डिंग। तो सेपरेशन जब करते हैं तो इस टाइप से आता है। अब आपको ये 20 मिनट क्यों दिया गया, क्योंकि ई कोलाई जो होता है वो ईच 20 मिनट में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। मतलब यहां पर एक स्ट्रैंड था, 20 मिनट के अंदर ये मान लीजिए कि यहां पर ये दो ई कोलाई हो गए, फिर ये मान लीजिए कि ये आपका 1, 2, 3, 4 ई कोलाई हो गए 40 मिनट्स के अंदर, क्लियर हो गया। इस टाइप से ये समझाया गया है और यही सब कुछ चीजें यहां पर लिखी गई है। लिखा हुआ देखिए, दे ट्रांसफॉर्म द सेल इनटू ए मीडियम नॉर्मल सेल, उसके बाद में वो नॉर्मल के अंदर ले आ जाते हैं। वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाई द एक्सरे डीएनए रिमेन एज द डबल स्ट्रैंड हेलिकल, द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड इंडिविजुअल सीजियम क्लोराइड के अंदर उसको निकाला जाता है, डेंसिटी को मेजर किया जाता है, और चीज यही पता चलती है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। इसलिए यहां पर यह देखा गया कि पहले दो स्ट्रैंड 15-15 वाले थे तो फिर 15 और 14 आ गए, मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर आ गया। अब देखिए, डीएनए वाज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर अनदर N15 to N14 मीडियम, दैट इज आफ्टर द 20 मिनट्स। क्यों, क्योंकि ई कोलाइड जो डिवाइड कर जाता है 20 मिनट्स में, साफ साफ लिखा गया है। जब सबसे पहली डिवीजन होती है तो वहां पे हाइब्रिड नेचर आता है, क्यों, क्योंकि एक तो 15 वाला था और एक नॉर्मल 14 वाला आ गया, तो इससे पता चल गया कि हाँ यहां पर सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड किया गया है। डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर ऑफ द अनदर एक्सपेरिमेंट 40 मिनट्स के बाद में निकाला गया, तो ये चीजें निकलकर आई थी, क्लियर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहां पे ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है, किसके ऊपर किया था इन्होंने, इन्होंने ई कोलाई के ऊपर किया था, ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट यहां पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया गया था। वहां पर नाइट्रोजन जो था वो हैवी आइसोटोप लिया गया था, बट यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट करवाया था टेलर एंड उसके कलीग्स ने 1958 के अंदर, और पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो कब हुआ था, वो भी 1958 के अंदर हुआ था, बट वो थोड़ा पहले हो गया था, ये उसके बाद में हुआ था उस सेम ईयर में। तो यहाँ पे 1958 के अंदर क्या किया, टेलर और उसके कलीग्स ने वीशिया फाबा, दैट इज फाबा बीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और वहां पर भी उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया, और ये सेम चीज करके देखी न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर, और वो भी उन्होंने भी यही कहा, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इज क्रोमोजोम है रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। यानी बात चीजें अलग अलग के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा तो सेम ही चीज निकल के आई कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड करते हैं। यहां से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है इस पैराग्राफ से, ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज पता हो गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड करता है। अब हम आते हैं कि डिवाइड कैसे होता है, क्या कुछ होता है उसके बारे में, यानी मशीनरी एंड एंजाइम्स के बारे में।
काफी इंपॉर्टेंट है, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। पहले मैं बता देता हूं कौन कौन से एंजाइम किस में सबसे पहले किया गया। इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटालिटी यानी एंजाइम। द मेन एंजाइम इज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इस एंजाइम को ध्यान से नाम समझ ले लो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं भैया, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, डीएनए पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो डीएनए यानी डीएनए डिपेंडेंट। अब बना क्या रहे हैं, वापस डीएनए, तो डीएनए को क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज कर रहे हैं, मतलब उसी के सेम न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे बना रहे हैं, उसी चीज को पॉलीमराइज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज। अब मैं ये बोल दूं कि भैया मैं डीएनए से बना रहा हूं आरएनए, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डिपेंड किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर। क्यों? क्योंकि डीएनए ही तो हम यूज कर रहे हैं, तो डिपेंड डीएनए पे है। बट इस बार बना क्या रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, तो उसकी जगह आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये चीज समझ में आ गई, ये बस इसको नाम याद रख लो, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है कि ये नाम कैसे याद रखेंगे। अगर आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए इट यूज द डीएनए टेम्पलेट। अब समझ में आ गया ना, मतलब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड थे उनको अलग अलग कर लो और उससे जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसी के बारे में बात करें, तो ये पुराने वाले क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएंगे। ये चीज क्लियर होगी। टू कैटलाइज, उसको कैटलाइज करके क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे, बहुत सारे वैसे बना देंगे। ये चीज क्लियर होगी। ओके अब देखिए ये जो एंजाइम होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है। हाईली एफिशिएंट कैसे होता है देखिए समझिए। अब मान लेते हैं सबसे पहले ई कोलाई की बात करते हैं, तो ई कोलाई के अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁶। उसको डिवाइड करना है कितना, 20 मिनट्स में। अब आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ चुके हो कि वहां पे इंटरफेज चलता है केवल 90% ड्यूरेशन में, तो 90% ड्यूरेशन में चलता है, उसमें एक आती है एस फेज और एस फेज में होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ये चीज क्लियर हो गई। ओके यानी ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, एस फेज के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर 90% 20 मिनट का 90% कितना होता है, 18 मिनट्स। तो 18 मिनट्स में इस पूरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको सेम कॉपी बनाना है, मतलब इतने ही बेस पेयर सिंथेसाइज करने हैं एक स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड ये है एक स्ट्रैंड ये है, इसको अगर यहाँ पर डीएनए को डबल करना है इस टाइप से, तो यहाँ पर उतने ही स्ट्रैंड बनाने हैं, यानी उतने ही न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। तो आप समझिए 18 मिनट्स में अगर इतने सारे बेस पेयर बनाने हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बनेंगे, 2000 बेस पेयर पर सेकंड बनेंगे। वहीं पर अगर हम ह्यूमन डिप्लोइड सेल की बात करें तो वहां पर होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। कितने होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, और इसी को मल्टीप्लाई करके 0.34 नैनोमीटर से हमने निकाला था 2.2 मीटर। ये आपको समझ में आ गया, तो वो ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे हमें यहाँ पर ह्यूमन के अंदर भी इतने टाइम बनाने पड़ते हैं। बट वापस आते हैं ई कोलाई में, ई कोलाई में इतने बेस पेयर होते हैं, 18 मिनट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब 2000 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली एवरी सेकेंड में बनाना पड़ेगा। बट एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि ये पॉलीमराइजेशन फास्ट तो हो ही हो, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो, मतलब अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड इधर से उधर हो गया तो यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा, जो कि काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का अगर याद है, तो GAG से सिर्फ GUG हुआ था, AD9 की जगह सिर्फ यूरेसिल आया था, इतना ही चेंज हुआ था और सिकल सेल एनीमिया हो गया था। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है, लिखा हुआ है एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू द म्यूटेशन। एक भी सिंगल भी मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चलता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये रेप्लिकेशन होता है वो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है ही है, डीएनए की तो बात करें, डीएनए में जब आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ही तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड है तो यहाँ पर डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन। अब ये एडिनोसाइन क्या है, एडिनोसाइन ही तो आपका न्यूक्लियोसाइड है, और ये टी पी का मतलब क्या है, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट, तो यही तो फुल फॉर्म होती है इसकी। तो यहाँ पे जैसे एटीपी वगैरह होती है वो यहाँ पे तो आती है, वो ड्यूल पर्पज करती है, क्या वो आपके सबस्ट्रेट तो होगी होगी, मतलब एटीपी से एक नया जो है वो एडिनाइन तो अटैच होगा ही होगा, इसके अलावा वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। लिखा हुआ है द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर ट्राइफॉस्फेट द हाई डिग्री फॉस्फेट सेम एज इन द केस ऑफ एटीपी। ये चीज क्लियर होगी, यानी एनर्जी की जितनी भी रिक्वायरमेंट यहां पर हो रही है रेप्लिकेशन के टाइम पे वो यहीं से कंप्लीट हो रही है।
तो ये तो था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के टाइम पे भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, कितना ज़्यादा फास्ट चाहिए और कितनी यहाँ पे कहाँ से एनर्जी आएगी और ये सब कुछ था। अब हम बात करते हैं क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं, और भी बहुत सारे एंजाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। लिखा हुआ है इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेरी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आएगी बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हम रीडिंग कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भैया ये आपके सामने डायग्राम है, कईयों को तो ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर ये ले लेते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड। अब आपको पता है ऑपोजिट पोलरिटी होते हैं, मैं यहाँ पे 5-3 बोल रहा हूँ। अब ये मैंने सबसे पहले बता दिया था कि ये एंड कौन से होते हैं, फिफ्थ एंड, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन वाला फ्री होगा और यहाँ पे थर्ड OH वाला फ्री होगा। इसके सामने क्या चलेगा 5, इधर क्या चलेगा 3, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहीं पे ब्लू कलर में दिया है, देखो ये 5 वाला यहाँ पे 5 दे दिया, ये 3 वाला यहाँ पे 3 दे दिया, ये 3 वाला यहाँ पे 3 दे दिया और ये 5 वाला ये 3 दे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे तो जहाँ से ये स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूं। अब ये मान लें हमारे पास डीएनए, तो मान लेता हूँ मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से किसका ओरिजन हो रहा है, मतलब कौन स्टार्ट हो रहा है, किसका ओरिजन हो रहा है रेप्लिकेशन, तो इस साइड को बोल दूंगा ओरिजन। ओरिजन किसका हो रहा है, मतलब ओरिजन का मतलब होता है स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट का हो रहा है रेप्लिकेशन, तो ओरिजन ऑफ किसका है ये रेप्लिकेशन का, तो इसका नाम दे दिया मैंने ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। ऐसा नहीं है कि डीएनए में कहीं से भी रेप्लिकेशन हो जाए, ये पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जब ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन से ये क्या होंगे, ये स्ट्रैंड ऑपोजिट यहाँ पे थोड़े अलग अलग होंगे, मतलब ऐसे थे ना नॉर्मल ऐसे हो जाएंगे। अब ये रेड वाला यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे ऐसे हो गई है, क्लियर है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो इसको बार बार इन डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है जहां से डीएनए स्ट्रैंड अलग 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 हो रहे हैं, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क, FORK, इसको क्या बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन वगैरह होते हैं जो इनको सेपरेट करते रहते हैं दोनों स्ट्रैंड को, उनके बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, केवल जो NCERT में बोला है और थोड़ा बहुत अलग से मैं बता दूंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर रहे हैं, वो क्या हो गया रेप्लिकेशन फोर्क हो गया, यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आगे इसको ऐसे अलग अलग करते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, एक रस्सी लीजिए सेम लेंथ की, उतनी ही रस्सी एक और ले लीजिए। अब इन दोनों को कोइल कर लीजिए, ऐसे ऐसे कोइल कर लीजिए दोनों रस्सियों को, फिर स्टार्ट कीजिए इनको अलग अलग करना, मतलब ऐसे दोनों सिरे पकड़िए और ऐसे अलग अलग करके खींचना स्टार्ट करिए, क्लियर हो गया। अब इसको नाम देता हूँ मैं 5 डायरेक्शन, इसको 3 और इसको 3 और इसको 5, क्लियर है, ओके। अब जहाँ से ये अलग अलग होता जा रहा है वो कहला रहा है आपका रेप्लिकेशन फोर्क, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए के पॉलीमरेज करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, वो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में चलता है। कौन सी डायरेक्शन में चलता है, 5-3 डायरेक्शन में, मतलब वो स्टार्ट करेगा पहले 5 कार्बन से और फिर वो 3 कार्बन की तरफ बढ़ेगा, तो फिर वो 3 की तरफ बढ़ेगा, 3 की तरफ बढ़ेगा। तो अगर वो वाला 5-3 जा रहा है तो उसके ऑपोजिट वाला कौन सा होना चाहिए, 3rd वाला होना चाहिए। मतलब ये स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड ऐसे है, यहां से मैं अगर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, 3rd स्ट्रैंड होगा, 3rd एंड होगा, ये चीज क्लियर होगा। इसीलिए यहां पे ये 3rd एंड है और ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा, 5th की तरफ जाता रहेगा, 3 की तरफ जाता रहेगा, ये मतलब इसके स्ट्रैंड के 5th की तरफ जाता रहेगा और यहां पर लास्ट में मिल जाएगा ये 3rd एंड आ जाएगा। ये वाला जो स्ट्रैंड होता है, जो पहले से स्ट्रैंड है, क्लियर है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब क्या, कंटिन्यू चलता जा रहा है और इसको कंटिन्यू स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, ऐसे लगातार चलता ही जाएगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा 3rd एंड पे। ये तो हो गया कंटिन्यू स्ट्रैंड जो नए सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब आप कहोगे ये डिसकंटिन्यूस कैसे, अब देखिए ध्यान से, ये स्ट्रैंड ऐसे था, यहाँ पर 3rd डायरेक्शन थी तभी तो यहाँ पे भी ये 5th से स्टार्ट हुआ, बट ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सी है 5th, अब 5th के सामने 5th तो नहीं हो सकती, 5th के सामने 5th तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर 5th के सामने, यहाँ से तो ये ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको चाहिए 3rd एंड। तो मान लीजिए एक बार में तो आप रस्सी को पूरा अलग नहीं कर पाओगे, धीरे 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 टाइम लगेगा ना आपको, रस्सी ऐसे अलग अलग करते जाओगे, मतलब इसको पकड़ के यहाँ से, इसको पकड़ के यहाँ से, एकदम से होगा नहीं, इसको अलग अलग करते जाओगे। तो ये वाली तो ऐसे वो 5-3 चलता रहेगा, बट इधर क्या होगा, पहले मान लो इतनी रस्सी अलग हुई तो यहाँ पे 3rd एंड मिल जाएगा, फिर थोड़ी देर में इतनी रस्सी अलग हुई यहाँ पे 3rd एंड मिल जाएगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ पे रस्सी अलग हुई था यहाँ पे 3rd एंड मिल जाएगा,
पर डीएनए पॉलीमरेज कैसे चलेगा 5 to 3 में। सो जैसे इसको थर्ड एंड यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे फिफ्थ एंड आ जाएगा और वो ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पे इतना फ्री हुआ, ये यहाँ पे फिफ्थ एंड आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे फ्री हुआ, फिर यहाँ पे फिफ्थ एंड आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अलग अलग जो है वो आपके बना रहा है पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। क्यों? क्योंकि पहले इतनी रस्सी अलग हुई थी तो उसी टाइम उसने स्टार्ट कर दिया 5 to 3 इधर बनाना, इतनी रस्सी फिर अलग हुई उसने स्टार्ट कर दिया इधर इधर से 5 to 3 बनाना, इतनी हुई फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया 5 to 3 बनाना। तो ये वाले जो स्ट्रैंड बन रहे हैं, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है डीएनए के। और फिर ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, अब आप कहोगे क्या ये ऐसे फ्रेगमेंट बने रहेंगे? नहीं, फिर इनको डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है उसकी मदद से इनको चिपका दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा और फिर लास्ट में जब इनको सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये देखिए ये 5 to 3 वाला एक ही स्ट्रैंड दिखाई देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यही सब कुछ होता है यहाँ पर। ओके, अब आपको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड था तो ये लैग कर रहा है, बार बार रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखिए यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है, चलिए मैं बता देता हूँ। फॉर लॉन्ग डी एन ए मॉलिक्यूल्स इन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डी एन ए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ। तो दोनों बहुत 2-2 meter तक का लेंथ है, तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरे कोई यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर, तो यहाँ पे बहुत जगह पॉइंट पे क्या होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डी एन ए हेलिक्स रेफर टू द रेप्लिकेशन फॉर्म। अब ओपनिंग मैंने समझा दी ना, मतलब ये डी एन ए था और यहाँ से ऐसे अलग अलग स्ट्रैंड कर रहे थे, ये ओपन कर रहा था, तो ये क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फोर्क कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी यहाँ पर डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से ये अलग अलग हो रहे हैं ये क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फोर्क कहलाएगा। क्लियर हो गया रेप्लिकेशन फोर्क? ओके, अब द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा ओनली वन डायरेक्शन में चलता है, दैट इज 5 to 3। मैंने बता दिया था कि इधर थर्ड एंड है तो ये 5 to 3 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो ये हमेशा जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये केवल और केवल वन डायरेक्शन में चलता है 5 to 3। इसकी वजह से क्या होता है? दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कंटिन्यू ऑन द वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 to 5। अब जो 3 to 5 वाली पोलैरिटी है वहां पर क्या होगा? देखिए द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि देखिए 5 to 3 तो यहाँ पर इसके सामने 5 करना है और ऐसे चलना है, तो यहाँ पर तो ये स्ट्रैंड हो जाएगा कंटिन्यू स्ट्रैंड। आपको एज इट इज याद रखना है कि ये वाला जो स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड? जो 3 to 5 वाले पॉलिटी वाला कंटिन्यू स्ट्रैंड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 to 3 चल रहा है वो, इसीलिए तो ये 3 to 5 है, 5 to 3। वाई द अदर एंड द टेम्पलेट विद पॉलिटी जो 5 to 3 है वो डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ इकट्ठे नहीं हो सकते। जहाँ पे भी इसको थर्ड एंड मिलेगा वहाँ से वो फिफ्थ को स्टार्ट करेगा और इधर लाता रहेगा, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी थर्ड एंड मिलेगा वहाँ पे फिफ्थ स्टार्ट करेगा फिर इधर लाता रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। द डिसकंटिन्यू सिंथेसिस फ्रेगमेंट जो होते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है वो लेटरली जॉइन हो जाते हैं बाय द एंजाइम डीएनए लाइकेज। यहाँ से आपका 2017 में क्वेश्चन आ चुका है और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये बताया गया कि वो कितने टाइम में डिवाइड होता है और क्या कुछ होता है, यहाँ से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे लिखा हुआ देखिए, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन द ऑन कैन नॉट इनिशिएट बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि अपने आप से स्टार्ट कर लेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डर नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस। ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी, एक डेफिनेट रीजन होता है इक्वलाइट डीएनए के अंदर, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस रीजन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जहां से ओरिजिन हो रही है किसकी? रेप्लिकेशन की, तो उसका नाम दे दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आगे लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट ए पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू प्रोपगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर ए वेक्टर, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब यहाँ पर अलग चीजें करनी होगी, रिकॉम्बिनेशन वगैरह करना होगा, तो वेक्टर प्रोवाइड करेगा। अब मैंने बताया था कि ये सब कुछ काम होता है एस फेज में। देखिए, इन यूकैरियोटिक द रेप्लिकेशन डीएनए टेक प्लेस इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब आपको समझ में आ गया सेल साइकिल सेल डिवीजन में द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन अकर हाई कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पर ये चीजें बहुत हाई कोऑर्डिनेटेड, अगर कोई भी सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे पॉलीप्लोइडी आ सकती है, क्रोमोसोमल एनालोमी आ सकती है। ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया कि आप डिटेल में जो वो हायर क्लासेज में पढ़ोगे एमबीबीएस वगैरह में इस चीज को पढ़ते रहना। क्लियर है? Okay, अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जो डीएनए होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है आरएनए के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। अब काफी इंपॉर्टेंट है,
आगे भी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, तो मैं पहले पहले बता दूंगी क्या होने वाला है, समझ जाइए। यहाँ पे देखिए होता क्या है, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, ये भी आपको पता है। मान लीजिए ये 3-5 एंड है और ये 5-3 एंड है, ये दो स्ट्रैंड है, कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें रेप्लिकेशन नहीं करना है, मतलब सेम डीएनए नहीं बनाना है, केवल और केवल आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक स्ट्रैंड, मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड हम उठा लेते हैं, ओके, और यहाँ पे इस स्ट्रैंड से हम क्या करेंगे, जो 3-5 वाला एंड है, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। अब आरएनए बनाएंगे तो क्या हम यहाँ पे इनको अलग करके छोड़ देंगे? जी नहीं। होगा क्या कि ये दो स्ट्रैंड है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दोनों जो वो अलग अलग एक बार स्ट्रैंड होंगे, ठीक है, और वहां पे क्या होगा कि यहां से आरएनए बनना स्टार्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आरएनए बनते जाएगा, ये दोनों स्ट्रैंड वापस, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो वापस मिलते जाएंगे और बीच में से आरएनए निकलकर अलग हो जाएगा और ये दोनों स्ट्रैंड एज इट इज रह जाएंगे। बस हमने क्या किया है, इस डीएनए को यूज किया है, उसका जेनेटिक कोड यूज किया है ताकि हम आरएनए को बना पाए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके मन में यह आएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि दोनों स्ट्रैंड लेते और फिर आरएनए बना लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, डीएनए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये टी है, ये सी है और ये क्या है, जी है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, क्लियर है, ओके। सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा। अब ये चीज यहां पर आप समझ जाइए, अगर मैं इस दोनों से अलग अलग आरएनए बनाता हूं तो यहां पे ए से क्या आएगा, ए के सामने आना चाहिए टी, बट एक्चुअल में अगर आरएनए बना रहा हूं तो यू आ गया, फिर टी है तो यहां पर ए आ जाएगा, सी है तो यहां पर जी आ जाएगा और जी है यहां पर सी आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। बट अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, हमारे पास थाइमिन है, थाइमिन के सामने क्या आएगा, एडीनाइन आएगा, तो ये ए आ गया। अब एडीनाइन के सामने क्या आएगा, थाइमिन आना चाहिए, बट यहाँ पे आ गया यू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे यू ए कोडिंग आ रही है और यहाँ पे ए यू कोडिंग आ रही है, मतलब एक जगह यू ए कोडिंग आ रही है और एक जगह ए यू कोडिंग आ रही है। तो अगर ये कोडिंग अलग अलग हो रही है तो यहाँ पे बनने वाली प्रोटीन भी अलग अलग हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख चुके हो, अब मैंने पहले बताया था सिकल सेल एनीमिया में जी ए जी यू, तो अलग अलग हो जाता है, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ए कोडिंग के अंदर भी। तो इसीलिए यहां पर केवल वन स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाएंगे, डबल स्ट्रैंड अगर आरएनए बन भी गया तो वो वापस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी, ये आपको समझ जाना चाहिए। तो यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री नाउ बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ द थाइमिन। तो यहाँ पर एडीनाइन की जगह यूरेसिल बनेगा क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे दोनों के दोनों टोटल डीएनए यूज करके पूरा एक डीएनए बना रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। द डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डेमोक्रेट द रीजन ऑफ द आरडीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपके सामने सवाल आएगा। देखिए पहला रीजन, फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, दोनों के दोनों अगर टेम्पलेट की तरह यूज करने लगे, यानी सैंपल की तरह यूज करने लगे और वहां पे हमने अगर आरएनए मॉलिक्यूल बनाया तो उन दोनों का सीक्वेंस अलग हो जाएगा। अभी आपके सामने था सीक्वेंस, एक में तो ए यू था, एक में यू ए था, तो सीक्वेंस अलग अलग है। अगर यहां पर सीक्वेंस अलग अलग हो गया तो यहां पर क्या होगा, दे कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है प्रोटीन में वो भी अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटीन भी अलग अलग बन जाएगी, दैट इज द डीएनए वुड कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, मतलब एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगी, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। सेकंड रीजन क्या है कि दो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो साइमल्टेनियसली क्या कर जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर जाएंगे और इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, वो भी काफी खतरनाक हो सकता है, जो कि किसी भी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, वहां पे वो जो आरएनए है वो प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, तो अभी कोई फायदा नहीं है फिर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन करने का। तो ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए की, वहां पे तीन मेन रीजन होते हैं। एक प्रमोटर होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब वो पूरा सीक्वेंस जहां से कोडिंग होगी, जिसे आरएनए कोड करके बनेगा, और लास्ट में होगा टर्मिनेटर जहां पर जो है वो आपकी आरएनए की जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दो स्ट्रैंड है, एक है 3-5 वाला, ये ब्लू वाला, और एक ग्रीन वाला है 5-3 वाला। अब यहां पर भी एक एंजाइम आएगा, इस बार जो एंजाइम आएगा मैं बता चुका हूं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। तो जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5-3 चलता था, तो ये भी वाला सेम ही चलेगा, 5-3 चलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये 5 एंड की
अगर ये 5 to 3 चलता है तो इसको जो एंड चाहिए वो थर्ड एंड चाहिए जहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ये टेम्पलेट स्टैंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैंपल है, इसी को देखकर ही तो बनाएगा वो, उसी को देखकर इसकी जो कोडिंग है उसी के अकॉर्डिंग तो बनेगा आरएनए, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया है टेम्पलेट स्टैंड। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है, जो कोड करता है आरएनए के लिए उस जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, या फिर जो अमीनो एसिड के लिए कोड करके प्रोटीन बनाता है तो भी वो भी कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। बट यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, आरएनए की कोडिंग करेंगे तो ये जो जीन कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, आपका स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, टर्मिनेटर आप समझते हो, टर्मिनेट हो जाना यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी, क्लियर है। अब सामने वाले को नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड नाम क्यों दिया है, ध्यान से समझिए, कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए नाम दिया है क्योंकि अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे तो वो सेम आरएनए जैसा आएगा, बस यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, मतलब सेम कोडिंग होगी जो आरएनए की और इसकी कोडिंग सेम होगी, बस यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल आएगा, तो इसलिए इसको कोडिंग नाम दिया है। और बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये किसी के लिए कोड नहीं करेगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, टेम्पलेट को याद रखना हमेशा सैंपल, यानी जिसको देखकर बनाएंगे तो कोड यही करेगा टेम्पलेट वाला। अब देखो ध्यान से, इस स्ट्रैंड को क्यों लिया है, क्योंकि देखिए थर्ड एंड में हमें जो है वो आरडीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 चलता है, तो ये 3 एंड हो गया तो इसका ये हो जाएगा 5th एंड, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा थर्ड एंड, या ऐसे बनाएगा आरएनए, आरएनए बनेगा 5 to 3 एंड तक का, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप से लिया है। अगर मैं आप ये पूछो, अगर मैं प्रमोटर इधर लगा दूं और टर्मिनेटर इधर लगा दूं, डीएनए यही रहेगा, तो इस बार क्या होगा, ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड एंड इधर आ जाएगा और तो आरएनए का 5th एंड इधर आएगा, और ये सारा टेम्पलेट स्ट्रैंड ये कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन ये कहलाएगा, यहाँ पे प्रमोटर आ जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटर आ जाएगा, ये सब एनसीईआरटी ने लिखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में, 19 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है, स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वहाँ पर होते हैं स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ में आ गया, दिस इज ए कन्वेंसिव डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन, यानी केवल वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा जो कि कोड करेगा आरएनए के लिए। सिंस द टू स्ट्रैंड है ऑपोजिट पोलरिटी, दोनों के पास ऑपोजिट पोलरिटी, एक 3 to 5 जा रहा है, एक 5 to 3 जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, समझ गए, यानी डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, डिपेंड तो डीएनए पे कर रहा है पर पॉलीमराइज हो रहा है आरएनए का, इसीलिए नाम दे दिया गया। अब ये क्या करता है, इन ओनली वन डायरेक्शन, वही सेम है 5 to 3 डायरेक्शन, साफ साफ बोल दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट हैज द पोलरिटी 3 to 5 एक्ट एज द टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि ये 5 to 3 चल रहा है, तो अब देखिए एक 5 to 3 चल रहा है, तो यहाँ पर 3 to 5, तो ये दो स्ट्रैंड हो गए बिल्कुल इस तरह की पोलरिटी वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसीलिए समझ में आ गया कि इसको टेम्पलेट क्यों बोला है, इसको टेम्पलेट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे 3 है प्रमोटर की तरफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रमोटर टर्मिनेटर वगैरह है ना, ये इस एंड को देखकर नाम दिए गए हैं, इस एंड को, कोडिंग स्ट्रैंड को, यहाँ पर इसको अपस्ट्रीम बोला गया, इसको डाउनस्ट्रीम बोला गया, ये भी अभी आपके आगे आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलरिटी, जो सेम यहां पर इस टाइप से पोलरिटी होगी उसको क्या बोल देंगे, सेम एज द आरएनए, जिसकी जो है सीक्वेंस सेम होगा आरएनए की तरह, एक्सेप्ट द थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, यानी केवल यहां पे थाइमिन को हटा के अगर यूरेसिल लगा दोगे तो ऐसा ही बनेगा आपका आरएनए, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इस डिसिप्लिन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड इज दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एंड, पर ये कोड किसी के लिए नहीं कर रहा है, बस इसका जो कोड है ना वो सेम आरएनए का है, बस सेम अगर बस थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा दे तो इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जितने भी ये रेफरेंस पॉइंट है, वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, इसलिए मोने बोला है कि जो आपका प्रमोटर होगा वो 5th एंड की तरफ होगा कोडिंग एंड में, और 3rd एंड की तरफ होगा आपका कोडिंग एंड में टर्मिनेटर, तो ये चीज आपको याद रखना कि कोडिंग स्ट्रैंड के विद रिस्पेक्ट टू लिया गया, ये साफ साफ एनसीईआरटी ने बोल दिया गया कि ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जितने भी रेफरेंस पॉइंट है चाहे वो प्रमोटर और स्ट्रक्चर हो, डिफाइनिंग द यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड, क्लियर हो गया। अब ये आपको याद रखना है, देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 अगर ये कोडिंग चल रही है, मतलब एडीनाइन थाइमिन ज्यूनाइन साइटोसिन, एडीनाइन थाइमिन ज्यूनाइन साइटोसिन,
तो यहां पर देखिए आरएनए कैसा बनेगा, ये तो कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। अगर इससे आरएनए बनाएंगे तो हिस्टामिन की जगह यूरेसिल लगाते जाइए बस, मतलब यू फिर ए फिर सी फिर जी फिर यू फिर ए फिर जी फिर यू, तो इस टाइप से जो बनेगा वो बनेगा आपका आरएनए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है बताओ आरएनए का क्या होगा, कई बार दे दिया जाता है टेम्पलेट का सीक्वेंस है बताओ आरएनए का क्या होगा, तो ये चीजें आपको याद रखने की कैसे बना है। क्लियर हो गया, ओके। अब यहां पर इनकी बात करते हैं तीनों की, प्रमोटर की, टर्मिनेटर की और स्ट्रक्चरल जीन की। सबसे पहले प्रमोटर की, प्रमोटर होता है लोकेटेड टुवर्ड द फिफ्थ एंड। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, फिफ्थ एंड कैसे हुआ, मैंने अभी भी बताया था कि यहां पे ये सारे रेफरेंस लिए गए हैं कोडिंग स्ट्रैंड में, तो ध्यान से देखिए कोडिंग स्ट्रैंड फिफ्थ एंड में है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ प्रमोटर, तो इसीलिए यहां पर ये चीज बोली गई है साफ साफ, जो यहां पे हम रेफरेंस लेंगे वो किसका लेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड का लेंगे, इसीलिए बोला गया जो प्रमोटर है वो लोकेटेड है फिफ्थ एंड ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड की रेफरेंस लेके बोला गया है। DNA sequence that provide binding site for the RNA polymerase is the presence of a promoter in a transcription which also define a template and coding strand. ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पे इसी को देखते हुए हमें पता चलता है कि कौन सा टेम्पलेट होगा और कौन सा कोडिंग होगा, मतलब यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट होगा और ये वाला हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। अगर यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, देखिए आप सामने लिखा हुआ है स्विचिंग इट्स पोजिशन विद द टर्मिनेटर द डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम प्रमोटर को इधर उठा के ले आएंगे, टर्मिनेटर को इधर लेके जाएंगे, तो टेम्पलेट ये हो जाएगा, कोडिंग ये हो जाएगा। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, इसीलिए बोला गया है। अब डाउनस्ट्रीम किस बोलते हैं, देखिए डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, जो थर्ड एंड होता है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड थर्ड एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपस्ट्रीम बताइए डाउनस्ट्रीम बताइए, तो डाउनस्ट्रीम थर्ड एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का और ये फिफ्थ एंड है कौन सा आपका, कोडिंग स्ट्रैंड का अपस्ट्रीम, तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी जो है वो क्वेश्चन में आ सकती है। क्लियर होगा, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन्स के बारे में। क्लियर हो गए, यहां तक तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किसको कैसे डीएनए में क्या कुछ करेंगे, अभी हमने प्रोसेस नहीं किया है ट्रांसक्रिप्शन की कैसे होगा, मैंने सिंपल सिंपल आपको बताया है, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है। अब देखिए इससे पहले पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्लियर है। अब जो जीन होता है ना यहाँ पर, ये कोई जरूरी नहीं है कि अब ये भी पता है दोनों एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड, इसका मतलब ये क्या है कि हमें पता है कि जीन्स जो होता है वो डीएनए पे ही लोकेट होता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पर डीएनए सीक्वेंस में थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जीन है और कौन सा नहीं है, क्यों, ध्यान से समझिए, बिकॉज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन, क्योंकि जो डीएनए टीआरएनए बनाएगा आरआरएनए बनाएगा ये सब कुछ भी क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे तीन टाइप के आरएनए पढ़ते हैं, एक एमआरएनए पढ़ेंगे जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एक टीआरएनए पढ़ेंगे और एक हम आरआरएनए पढ़ेंगे। क्लियर है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे पर आपको पता होना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं, साफ साफ बोला था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एमआरएनए बना रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, सेंट्रल डोगमा के अंदर हमने पढ़ा भी था। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, देखिए हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रोन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, सिस्ट्रोन का मतलब होता है एक सेगमेंट वो डीएनए का जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए, उसको बोलते हैं सिस्ट्रोन, क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट्रोन बोलते हैं, यानी वो सेगमेंट डीएनए का जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करेगा वो कहलाता है सिस्ट्रोन। अब यहां पे देखिए द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड टू बी मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी जो स्ट्रक्चरल जीन था यानी जहां से कोडिंग होगी आरएनए की और आरएनए बनाएगा प्रोटीन, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन जो है यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जो यूकेरियोटिक होते हैं वहां पे केवल और केवल मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है कि यहां से जहां से प्रमोटर है यहां पर जहां पर टर्मिनेटर है इसके बीच का जो पूरा है ये केवल एक ही सिस्ट्रोन कहलाता है, यानी ये पूरा सिंगल टाइम पे कोडिंग करके और आपका पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर देगा, यानी आरएनए के लिए कोड कर देगा और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। बट बैक्टीरिया में होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है कि इतना कोड कर दिया ये अलग प्रोटीन बनाएगा, फिर इतना कोड कर दिया ये अलग प्रोटीन बनाएगा, फिर इतना कोड कर दिया ये अलग प्रोटीन बना लेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग जो है वो सिस्ट्रोन होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोन होते हैं बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पर जब आरएनए बनने लगता है तो केवल एक ही कोड होता है।
बट जो यूकेरियोटिक होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है जबकि यहाँ पे तो मोनोसिस्ट्रोन है, मोनोसिस्ट्रोन जरूर है बट यहाँ पर जब क्योंकि कुछ ऐसे सीक्वेंस आ जाते हैं जो यूजफुल नहीं है, जिससे आरएनए नहीं बनेगा। तो देखिए इन यूकेरियोटिक द मोनोसिस्ट्रोन स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, यानी उसमें बीच में कुछ कुछ इंटरप्शन आ जाते हैं। द जीन इन यूकेरियोटिक आर स्प्लिट जीन, तो वो जो जीन बनाते हैं उनको बोलते हैं स्प्लिट जीन, उसको क्या बनाते हैं स्प्लिट जीन कहलाता है वो। अब देखिए ध्यान से, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज द एक्सोन, यानी वो सीक्वेंस जो आगे प्रोटीन बनेगा वो कहलाए एक्सोन। एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, यानी यहाँ पर एक तो पहले सिंपल आरएनए बनाए, प्रीकर्सर ऑफ आरएनए बनाए, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें केवल और केवल एक्सोन मिलेंगे, क्लियर है। बट यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बनता है तो उसमें दोनों होते हैं, एक्सोन भी होते हैं और इंट्रोन भी होते हैं। देखिए द एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रोन, से यहाँ पे कुछ इंटरप्शन होता है इंट्रोन का। इंट्रोन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपियर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, जब एक आरएनए कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे इंट्रोन रही रहता है। और ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है ये केवल और केवल यहाँ पे मिलता है मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर, यानी यूकेरियोटिक के अंदर। फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस में डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ये कौन सा जीन है या कौन सा जीन नहीं है। यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। ओके अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहां पर होगा क्या। सिंपल द टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी, तो आप समझते हो कि वहां पे वो प्रमोटर कहां पे लगा है, कहां से कोडिंग स्टार्ट हुई है, इसके ऊपर इनहेरिटेंस जो वो काफी काफी डिपेंड करता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं वहां पे भी डिफाइन करता है क्योंकि रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या काम करते हैं, आपको रेगुलेट करते हैं चीजों को, नाम में लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए यहां पे डज नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन लिखा हुआ है, इवन थॉ दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन के लिए कोड ना करते हो फिर भी रेगुलेट करेंगे काफ़ी चीज़ें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, जो मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ की, क्योंकि यहाँ से 2017 में, 2020 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसेंट ईयर में आ रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया यानी आपका प्रोकैरियोट में थ्री मेजर, mRNA that is messenger RNA, tRNA that is transfer RNA, rRNA that is ribosomal RNA, क्लियर हो गया। मैंने बताया था तीन RNA होंगे बट ये जो तीनों के तीनों आरएनए हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, सभी आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ट्रांसलेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे किसका क्या रोल है बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया गया। जो एमआरएनए होता है वो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, समझ गए, मतलब एमआरएनए को देखकर ही पूरा का पूरा प्रोटीन की कोडिंग होगी। इसीलिए डीएनए से mRNA बनता है, क्यों, क्योंकि DNA से mRNA बनेगा, यानी DNA का सीक्वेंस देख के ही आपका mRNA का सीक्वेंस और इसी को सीक्वेंस को देखते हुए प्रोटीन बनेगी। इसीलिए हम DNA से mRNA बनाते हैं ना कि tRNA और rRNA, ये चीज क्लियर होगी। ओके आगे लिखा हुआ है, देखिए tRNA क्या करता है, tRNA जो अमीनो एसिड होता है उनको लेकर आता है और जो जेनेटिक कोड को रीड करके उसी के हिसाब से रखता जाता है। फिर rRNA क्या करता है, तो राइबोसोमल जो वो स्ट्रक्चर और कैटेलिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, जब प्रोटीन बन रही होती है उस टाइम पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर केवल एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटेलाइज कर देता है पूरे ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, यानी केवल एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा वो तीनों टाइप के आरएनए बना देगा। बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। ओके अब हम बात करते हैं यहां पर आरएनए पॉलीमरेज कैसे कुछ होता है। देखिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, पहले वो प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा और इनिशिएट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डायग्राम से समझिए। ये देखिए आपके एक रेड में और एक ब्लू में, यहाँ पर जो येलो के अंदर दिया हुआ है वो प्रमोटर दिया हुआ है, यहाँ पे जो ग्रीन में दिया हुआ है वो टर्मिनेटर दिया हुआ है, ये चीज़ आप समझ जाइए। तो इसका मतलब ये जो येलो हो चाहे आपका रेड हो, ये जो ग्रीन रेड वाला जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है डीएनए का, जो रेड वाला डीएनए का सीक्वेंस चल रहा है उसी को हम टेम्पलेट यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो तो केवल 5-3 डायरेक्शन चलता है, जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर रेड वाले पे 3 एंड है तो इसके सामने 5 एंड आएगा, ये चीज क्लियर होगी। ओके अब देखिए इनिशिएट आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, यहाँ पे इलोंगेट आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, टर्मिनेट आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, क्या सच में ऐसा हो रहा है, जी नहीं, ध्यान से देखिए। जब प्रमोटर पे यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, वो इनिशिएट करने में हेल्प करता है,
किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। इस सिग्मा फैक्टर के बिना आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर पाएगा, इज क्लियर। इलोंगेट केवल आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है, देखिए ये अलग हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज केवल अलग से चल रहा है और वो आपका इलोंगेशन करता हुआ जा रहा है, यानी आरएनए को बनाता हुआ जा रहा है। टर्मिनेट करते हुए इसको एक और फैक्टर चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर है, इलोंगेशन में केवल आरएनए पॉलीमरेज है, टर्मिनेशन में रो फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी आपको समझ में आ गया, दो सीक्वेंस थे, इसको अलग किया, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड को थोड़ा सा अलग किया, यहाँ पे सेपरेट के डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाया और उसे आरएनए बनाया, और ये स्ट्रैंड देखो वापस चिपकता जा रहा है ऐसे का ऐसे, क्लियर है क्या। मतलब डीएनए सेम रहा, बस उसने एक कोड करके यहाँ पर आरएनए बना के छोड़ दिया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब मैंने आपको ये सिंपल सिंपल सा बता दिया था, देखिए इट somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation, वो चलते चलती रहती है। Only a short strand of RNA remain bound to the enzyme once the polymerase reaches the terminate the nascent RNA fall off, so all the RNA polymerase this result in the termination of the transcription। यहाँ पे जो है वो termination हो जाता है। तो ये तो मैंने जो आपको डायग्राम में दिया है वो बताया, बट अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। An intriguing जो क्वेश्चन है वो है कि आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द थ्री स्टेप, जो इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन है उन तीनों को वो कैसे कर पा रहा है, जो 2021 में क्वेश्चन था लिखा हुआ है साथ में। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, यानी आरएनए पॉलीमरेज केवल और केवल इलोंगेशन कर सकता है। इट एसोसिएट ट्रांसिशनली विद द इनिशिएशन फैक्टर जिसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, और टर्मिनेशन फैक्टर जिसको रो फैक्टर बोलते हैं। ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ में मिलकर ये काम कर पाता है, कौन, आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये चीज क्लियर होगी होगी आपको। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर एल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आर टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, इन्हीं फैक्टर की वजह से वो इनिशिएट और टर्मिनेट कर पाता है। ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे प्रोसेसिंग पे बारे में। देखिए इन बैक्टीरिया सिंस एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, बैक्टीरिया के अंदर इसको कोई भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सोन इंट्रोन नहीं बने हैं, सिंपल आरएनए बनता है, तो इसीलिए वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक थे, यानी हर एक सिस्ट्रोन अलग अलग आपका प्रोटीन बना के छोड़ देता है आरएनए बना के और वहाँ पे। बट यहाँ पे जो आरएनए बन रहा है यूकैरियोटिक में, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है ये पहले समझिए। सिंस द आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ऑल्सो द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है, यानी आगे जो प्रोटीन वाला प्रोसेस है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस तो है नहीं बैक्टीरिया के अंदर। बट जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, वहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है आपका ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर लिखा हुआ है देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, बट यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों है पहला समझिए। पहला पॉइंट है देयर आर एटलीस्ट थ्री आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि एक को बनाना है आरआरएनए, एक को टी बनाना है और एक को एम बनाना है। तो पहली चीज तो यही आ गई कि यहाँ पे थ्री आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक आर बनाएगा, एक एम बनाएगा और एक टी बनाएगा। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ द लेबर, क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, देखिए यहाँ पे सिंपल सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट दे देंगे, सेकंड दे देंगे और थर्ड दे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में, ये ट्रांसक्राइब करता है आरएनए, जो अलग अलग टाइप के आरआरएनए होते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 28 हो गया, 18S हो गया, 5.8S हो गया, ये अलग अलग टाइप के आरआरएनए हैं, इसको कौन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बना रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो बनाता है टीआरएनए या फिर 5SRRNA या फिर SNRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये कौन बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज टू क्या बनाता है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज टू बनाता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्लियर है। और ये एचएनआरएनए क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें इंट्रोन एंड एक्सोन प्रेजेंट है और वहां पर हमें केवल और केवल एक्सोन रखने, इंट्रोन को रिमूव करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर ये एचएनआरएनए हेट्रोजीनस इसलिए बोला क्योंकि यहां पे इंट्रोन और एक्सोन दोनों है, फिर मैच्योर के अंदर केवल और केवल एक्सोन बचेंगे, इंट्रोन को हम रिमूव कर देंगे। ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 में, 19 में, 2021 में यहां से जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने जो आपको बताए हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे देखिए
जो ये बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक की। यूकेरियोटिक में क्या होता है, जो आरएनए बनता है ना, यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर में एक्सॉन दिया हुआ है और जो आपका रेड कलर में इंट्रॉन दिया हुआ है जो बीच बीच में बन रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो इंट्रॉन को रिमूव करना। अब यहाँ पे देखो इंट्रॉन रिमूव हो चुका है और केवल येलो 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 कलर बचा, यानी केवल एक्सॉन वाला जो येलो कलर है वो बचा, मतलब ये पूरा एक्सॉन बचा है। अब इसमें होती है कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग का मतलब होता है एक साइड कैप लग जाता है, ये है आपका MGPP का मतलब है, यहाँ पे मिथाइल जुएनोसाइन ट्राइफोस्फेट, ये फिफ्थ एंड की तरफ होता है। टेल की तरफ आपका पॉली एटाइल मिलेगा, यानी पॉली एडिनाइलेट। यहाँ पर क्या है, पॉली एडिनाइलेट है 200 to 300, इसीलिए लिखा है पॉली, ए का मतलब एडिनाइलेट और ये आपका टेल की तरफ है लिखा हुआ है। देखिए पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पर हो रहा है थर्ड एंड की तरफ से, ये 200 to 300 होता है, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया। इस टाइप से जाके लास्ट में जब ये इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं सारे, तब ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है, एमआरएनए कहलाता है, मैच्योर आरएनए कहलाता है, किसके अंदर, यूकेरियोटिक के अंदर, लिखा भी हुआ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। अब आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है, 2009 में, 10 में, 12 में, 17 में, 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, पहला तो ये था कि अलग अलग आरएनए बनाने हैं हमें, ये चीज़ यानी पॉलीमरेज अलग अलग चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, एक्सॉन भी आ रहा है इंट्रॉन भी आ रहा है। इट इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, याद रखना, वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर जॉइंड इन ए डिफाइंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जहाँ पे इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ दिया जाए उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। और यहाँ पर ये जो आपका HNRNA है वो बनाएगा mRNA में, अंडरगो एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसको मिथाइल जुएनोसाइन ट्राइफोस्फेट बोलते हैं, जो MGPPP करके लिखा गया, ये मिथाइल जुएनोसाइन ट्राइफोस्फेट, ये फिफ्थ एंड ऑफ HNRNA की तरफ होता है। टेलिंग यहाँ पे लिखा गया 200 to 300 एडिड एट द थर्ड एंड टेपलेट इंडिपेंडेंट मैटर, इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, नाउ कॉल्ड mRNA, ये बन जाता है इन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, न्यूक्लियस से बाहर निकाल के, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए द सिग्निफिकेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगनिंग टू द अंडरस्टूड द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। तो स्प्लिट जीन आप समझ चुके होंगे क्या होता है, यानी एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन का। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज इंटरमिटिव ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। अब आप समझ सकते हो कि आरएनए जो है वो सबसे ओल्ड है और आरएनए की बहुत ज़्यादा चलती है। इन द रिसेंट टाइम अंडरस्टैंड द आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम इज अज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंस। यह टॉपिक है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड से पहले आप ये चीज समझिए कि यहाँ पर जब रेप्लिकेशन कर रहे थे, यानी डीएनए से डीएनए बना रहे थे या फिर आरएनए से आरएनए बना रहे हैं, ये भी रेप्लिकेशन के अंदर आता है, आरएनए से आरएनए बनाना या डीएनए से डीएनए बनाना, वो कर रहे थे या फिर हम डीएनए से आरएनए बना रहे थे यानी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या रहा था, जो न्यूक्लिक एसिड था वो कॉपी हो रहा था फ्रॉम अनदर न्यूक्लिक एसिड, यानी सिंपल जो हमारे न्यूक्लियोटाइड थे उन्हीं की कॉपी हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा, देखिए दीज प्रोसेस आर वेरी इजी टू कंसेप्चुलाइज द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये भी हो रहा था कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे हम डीएनए या फिर डीएनए से आरएनए बना रहे थे। बट बात अब आती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और वहाँ पर आते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी, जब हम न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो बनाएंगे, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक जो अड़चन आती है, यानी हमारे सामने एक मुश्किल उठ कर आती है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में, नोर कुड एनी बी ड्रॉन थियोटिकली। तो थियोटिकली भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो अब हम कैसे इस चीज़ को कवर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू सपोर्ट द नोशन द चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड। तो बाद में कुछ स्टडी के बाद में ये पता चला कि अगर हम न्यूक्लियो एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल जो है उसको चेंज करते हैं, तो अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के अंदर वो भी चेंज हो जाते हैं। इससे ये पता लग गया था कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जरूर इनके बीच में कोई ना कोई लिंक है। तो यहाँ पर द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये निकल कर आता है हमारे सामने
कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसको कैसे पता लगाया जाएगा? तो इसको पता लगाने के लिए ये सिंपल ऐसा नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट उसके आ जाएगा और ये चीज़ें बता लेगा। तो इट इज़ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग डिसिप्लिन यानी अलग अलग फील्ड से आए थे। फॉर एग्जाम्पल फिजिस्ट आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स वगैरह सब आके इन्होंने जो है इस चीज़ पर वर्क किया अलग अलग और फिर ये पता लगा। सबसे पहली बात है इट वाज जॉर्ज गेमाओ। अब यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है कि जॉर्ज गेमाओ ने क्या बोला, ए फिजिस्ट, ये कौन है, फिजिस्ट है, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली फोर बेसिस। तो यहाँ पर टोटल फोर बेसिस है, कौन कौन से, ए टी जी सी वाले, नाइट्रोजन बेस्ड फोर ये, इफ दे कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, अगर इनको कोड करना है टोटल 20 एमिनो एसिड होती है। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 12th के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला दोनों बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ने होंगे। द कोड कुड कंस्टिट्यूट द कॉम्बिनेशन, ही सजेस्ट दैट द इन ऑर्डर टू ऑल द 20 एमिनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने कहा कि अगर सभी 20 एमिनो एसिड को कोड करना है तो यहाँ पर जो हमें जो मेड होना चाहिए, जो एक कोड होना चाहिए, जो मेनली जो कोड होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा, यानी एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड होगा उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब इसमें क्या आ रहा था, दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब निकालते हैं तो यहाँ पे 64 कोडोन निकल के आ रहे हैं, मतलब 4 4 4, हमारे पास तो 3 कोडोन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 टाइप्स हो सकते, देखिए ए टी जी सी, तो यहाँ पर भी ए टी जी सी, इस टाइप से अगर इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस टाइप से टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 64 कोडोन बनेंगे और वो जो है वो 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये तो बहुत सारे कोडोन हो गए, हमें तो केवल 20 अमीनो एसिड है ऐसा पहले लग रहा था, पर बाद में इसको प्रूफ किया गया। देखिए प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ए ट्रिपलेट, ये बाद में प्रूफ आया कि कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, वाज ए मोर डोनेटिंग टास्क। अब ये तो बहुत डीमोटिवेटिंग वाला टास्क था स्टार्टिंग में, मतलब लोग डीमोटिवेट हो रहे थे कि कोडोन जो होते हैं वहाँ पर 3 कोडोन कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे। सबसे पहले द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हर गोविंद खुराना, जिसके डिटेल हमने सेल जो यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले पढ़ी भी थी, हर गोविंद खुराना। अब हर गोविंद खुराना ने क्या काम किया, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपोलीमर और कोपोलीमर। इन्होंने क्या किया कि आरएनए के अंदर कुछ डिफाइंड बेसिस लिए, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल कुछ एक, मतलब ये मान लीजिए कि जैसे यू 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 ले लिया, ठीक है, तो इस टाइप से कुछ एक स्पेसिफिक आरएनए लेकर उनसे प्रोटीन सिंथेसाइज किया। ये किसने किया, हर गोविंद खुराना ने किया। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मार्शल नैनबर्ग। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्शल नैनबर्ग ने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जो फाइनली हेल्प किया कोड टू बी डेसिफर्ड, यानी उसको निकालने के लिए कि वो कौन सा कोड हो सकता है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं हम। तो ये काम मार्शल नैनबर्ग ने किया सेल फ्री सिस्टम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करके, मतलब सेल के अंदर नहीं सेल से बाहर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है सेवरो ओकाओ को। सेवरो ओकाओ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एंजाइम की डिस्कवरी की थी, उसी को नाम दिया गया सेवरो ओकाओ एंजाइम, और इसका सेकेंड नाम होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज ये क्या करता है, आरएनए को डीग्रेड भी कर सकता है, और ये वाला एंजाइम किस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, वाज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए, कि आरएनए को कितना रखना है, कितने उसके अंदर पॉलीमर रखने हैं विद डिफाइंड सीक्वेंस, मतलब कुछ एक सीक्वेंस रखने या ज़्यादा सीक्वेंस रखने, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता था, उसको डीग्रेड कर सकता है इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर मतलब अब वो जो है उस पर डिपेंड नहीं करा था टेम्पलेट के ऊपर कि वो टेम्पलेट है तो वही आरएनए सिंथेसाइज होगा, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता था। किसकी वजह से, सेवरो ओकाओ एंजाइम की वजह से, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी आरएनए का एंजाइमेटिक सिंथेसिस किया जा रहा था, और इस तरह से हम सक्सेसफुल हो गए और हमें ये पता चला कि जी हाँ जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में ही होता है। अब आप यहाँ पे देखो 64 कोडोन है, ये पहला फर्स्ट पोजीशन होगी, यहाँ पे यू सी ए जी आ गया, फिर यहाँ पर सेकंड पोजीशन है यू सी ए जी। अब ये यू यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एम आर एन ए की बात करें और आर एन ए के अंदर टी नहीं होता, यहाँ पर होता है यू, ये चीज़ होनी चाहिए आपको क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए ये यू सी ए जी लिए गए हैं, और इधर भी यू सी ए जी लिए गए हैं, और इधर भी यू सी ए जी लिए गए हैं, क्योंकि आप देखिए इस कोडोन से हम क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये समझिए कि ये अगर कोड है जैसे ट्रिपल यू, तो यहाँ पे जो फिनाइल एलिलिन है ना
वो एमिनो एसिड केवल इसी कोडोन पे आएगा या फिर ये जो UUC लिखा हुआ है इस पे आएगा। तो इस टाइप से आपको समझना चाहिए कि फिनाइल एलेनिन जो है वो तभी ऐड होगा जब यहाँ पर आरएनए के अंदर ये कोड मिलेगा। तो ये सीक्वेंस लगाने के लिए कि कौन सा एमिनो एसिड आएगा वो सीक्वेंस लगाने में हेल्प करते हैं ये कोडोन। क्लियर है? तो फर्स्ट पोजिशन इसकी लेंगे, फिर इसकी लेंगे, इसकी लेंगे, तो इस टाइप से हमें अलग अलग 64 यहाँ पे कोडोन मिल जाएंगे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइसिन के लिए दो कोडोन दिए हुए हैं, AAA और AAG। ये आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट कोडोन आपको याद रखने हैं, स्टॉप कोडोन UAA UGA और UAG। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, यानी ये किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं। ये एक तरह से आप ये मान लीजिए ये टर्मिनेशन का काम करते हैं, मतलब यहां तक जब आया जाएगा तो प्रोटीन यहां पे टर्मिनेट हो जाएगी, उसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी इस टाइप से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है AUG, जो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, MET AUG, और ये इनिशिएटर कोडोन करता है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी, ये कोडोन होगा तभी स्टार्ट होगी। चलिए अब यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखे हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से AIPMT 2003 में, 8 में, 10 में, फिर नीट 2013 में, 16 में और नीट 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके अलावा कि टेबल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी। अब देखिए जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, पर यहाँ पर केवल 61 कोडोन जो वो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं और 3 कोडोन जो वो किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहे हैं अमीनो एसिड के लिए, उनको इसलिए स्टॉप कोडोन बोला गया है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजनरेट। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो मोर देन वन कोडोन के अंदर कोड करते हैं, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। अब आप कहोगे कैसे, अब आप देखिए यहाँ ऐसे, ये देखिए सेरोटोनिन कितने हैं, 1 2 3 4 में जो भी यहाँ पे कोड आएगा उसमें सारा एक ही अमीनो एसिड आ रहा है। इसी तरह फिनाइल एलेनिन के लिए देखोगे तो दोनों में एक ही आ रहा है, इसी तरह ल्यूटेनाइन के लिए देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोडोन कहीं पे भी आ जाए तो अमीनो एसिड एक ही आना वाला है। तो इस टाइप के कोडोन को बोलते हैं डीजनरेट कोडोन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो कोडोन इज रीड इन mRNA इज ए कंटिन्यूअस फैशन, कंटिन्यूअस ही बोल लीजिए, कंटिन्यूअस मतलब होता है इसका लगातार, देयर इज नो पंक्चुएशन, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा। mRNA के अंदर ये जो कोडोन होंगे वो कंटिन्यू लिखे होंगे, क्लियर है? जैसे UUU हो गया, उसके बाद में मान लीजिए UCU हो गया, फिर UAU हो गया, तो इस टाइप से चलता रहेगा ये कोडोन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कहीं पे भी पंक्चुएशन नहीं आएगी, जहां पर स्टॉप कोडोन आ जाएगा वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। नेक्स्ट है कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, ज्यादातर जो कोडोन होते हैं वो लगभग यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, यहाँ पर अगर ट्रिपल यू की बात करेंगे तो वो फिनाइल एलेनिन का ही कोडोन कोड करके लाएगा और वहां पे फिनाइल एलेनिन को ही रखा जाएगा, पर इसके कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड इन सम प्रोटोजोआ, कुछ एक प्रोटोजोआ और कुछ एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अगर आपको याद हो चैप्टर में, तो वहां पर कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं, बाकी सब में ये सेम चीजें चलती है, यानी हर एक जो कोडोन दिया हुआ है वो सभी में चलता है। फिफ्थ पॉइंट है AUG हैज ड्यूल फंक्शन, AUG का दो फंक्शन होते हैं, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, केवल मिथियोनिन के लिए कोड करने वाला अकेला है, एंड इट ऑल्सो हैज इनिशिएटर कोडोन, और ये इनिशिएटर कोडोन होता है मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, और ये मैं बता चुका हूँ UAA UAG और UGA जो तो स्टॉप कोडोन की तरह करता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपको ये दिया जाए तब तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मतलब जैसे AUG है तो यहाँ पर इनिशिएटर कोडोन है मिथियोनिन आएगा, यहाँ पर ये UUU है तो इसका मतलब फिनाइल एलेनिन आएगा, इस टाइप से तो आप कोडोन निकाल सकते हो। पर क्या आप इस टाइप से कोडोन आ सकते हैं, अगर आपको ये लिख दिया जाए MET मिथियोनिन, यहाँ तो आप बता सकते हो कि AUG आएगा। अब ये जो फिनाइल एलेनिन का हमें नहीं पता कि ये UUU कोडोन आएगा या फिर UUC कोडोन आएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ये डिफिकल्ट होता है ज़्यादा, ये NCERT ने बताने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूटेशन हम चैप्टर 5 के अंदर भी थोड़ा सा देखा था, और वहाँ पे हमने दो टाइप के म्यूटेशन देखे थे, एक हमने पॉइंट म्यूटेशन बोला था और एक हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला था। म्यूटेशन देखिए, द रिलेशन बिटवीन द जीन एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। अब इसमें होता क्या है, सिंपल है कि एक जो आपका सीक्वेंस होता है वो चेंज अगर हो जाए तो उसके अंदर म्यूटेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन का वही एग्जांपल दिया हुआ है, सेम आपका सिकल सेल एनीमिया वाला, और वहाँ पे वही बताया गया कि एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पर सिंगल बेस पेयर, केवल एक बेस पेयर जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन का चेंज होता है, और उसकी वजह से जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिन की वजह वेलिन आ जाता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वो ग्लूटामिन की जगह वेलिन क्यों आता है, ये चीजें आपको इस कोडोन से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं क्योंकि ये वेलिन क्यों आ गया था ग्लूटामिन की वजह से, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, वो कोडोन एक इसलिए चेंज हो गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए
ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से 2016 में क्वेश्चन आया था। अब यहां पर वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, या तो इंसर्शन हो जाए या डिलीटेशन हो जाए। देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट ए बेस स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द सिंपल एग्जांपल। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कोडोन है, ये 3-3 के कोडोन होते हैं, इसलिए लेटर भी 3-3 लिए गए, राम हैज रेड कैप, 3-3 लेटर है। अब यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है, अगर हम एक एक लेटर इंसर्ट करते हैं, मतलब बी इंसर्ट करते हैं, तो राम हैज तो सेम रहा, बट अगर जैसे ही बी आ गया तो अब ये सारा कोडोन जो इससे आगे है वो सारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आना तो रेड कैप था, पर यहाँ पे क्या आ गया, बी आर ई डी सी ए पी, तो आगे वाला सारा सीक्वेंस जो वो चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से आगे का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब दो लेटर डालेंगे तब भी चेंज, देखो राम हैज अभी भी बी आई आर ई डी सी ए पी, अब भी इससे आगे वाला सारा चेंज है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, जब हम 3 लेटर डाल देते हैं तो राम हैज बिग केवल यहीं पे चेंज आया, बाकी इससे आगे वाले जो ना वो अनअल्टर रहे हैं, मतलब रेड केप, मतलब ये जो पहले अमीनो एसिड जिसके लिए कोड करे थे उसी के लिए कोड करेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है। इसी तरह अगर आप डिलीट करोगे, जैसे राम हैज रेड में से आर अगर डिलीट कर दोगे तो ई डी सी और ए पी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ई भी डिलीट कर दोगे तो राम हैज डी सी ए, इस तरह जब 3 डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे सी ए पी आएगा। अब ये लगता है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे 2019 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, अभी जो लिखा वो पॉइंट समझिए। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज वेरियबल्स। अब यही कंक्लूजन से आ गया था, ज्यादातर ये पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। देखिए, इंसर्शन और डिलीटेशन ऑफ वन और टू बेसिस, अगर हमने एक बेस लेके आए थे, केवल बी इंसर्ट किया था जब, या फिर केवल बी आई जब इंसर्ट किया था, तब तक क्या रहा था, चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीटेशन। अब देखिए यहां पर मैंने यही बताया था कि अगर एक या दो लेके आ रहे हैं तो इससे आगे वाला सारा सीक्वेंस चेंज हो रहा था, मतलब रेड कैप वाला पूरा सीक्वेंस चेंज हो रहा था। However, such mutation are referred to as the frame shift or deletion mutation. तो इसी को बोलते हैं frame shift insert करना या फिर frame shift delete करना, ये कहलाता है। But एक interesting point क्या है, insertion or deletion of 3, जब हमने 3 ले आए थे, यानी big BIG को पूरा insert कर दिया था, ये 3 letter जब आ गए थे, और its multiple, यानी 3-3 में और भी आ जाए, insert or delete in one multiple codon, hence the multiple amino acid. The reading frame remains unaltered from that point onwards. तो उसके बाद में जो आगे वाला है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले कोड कर रहे थे वो अब भी उसी के लिए कोड कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं टीआरएनए की, जिसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, देखिए ये टीआरएनए का क्या फंक्शन वगैरह होता है, कैसे करता है, वो पहले ही पता चल चुका था। देखिए, इट वाज क्लियर बाय फ्रांसिस क्रिक दैट देयर आर हैज बीन मैकेनिज्म टू रीड द कोड, यानी फ्रांसिस क्रिक को ये पहले से अंदाजा था कि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कोड को रीड कर लेता है। Also to link it to the amino acid, और ये link करवा रहा है amino acid को, because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely, यानी खुद amino acid के पास में कोई ऐसे specific नहीं था, कोई ऐसा specialist नहीं था कि वो code कर पाए, read जो है उस code को read कर पाए। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो इस कोड को रीड कर रहा था और वो आपका अमीनो एसिड को भी ला रहा था, ये उन्हें नहीं पता था। सो ही पोस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन द वन हैंड रीड, यानी वो एक हाथ से रीड करता है, एंड अदर हैंड वुड बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, यानी वो उससे कर देता है। तो उस टाइम पे उसको टीआरएनए के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो उस टाइम उसको बोला गया था द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए दैट इज सोल्यूबल आरएनए। तो पहले टीआरएनए को एसआरएनए बोला जाता था, ये क्लियर हो गया। Was known before the genetic code was postulated. तो सब कुछ genetic code से पहले tRNA को sRNA बोला था। इसका role जो adapter molecule का वो बाद में पता चला था कि ये adapter molecule है tRNA। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका mRNA है, ये वाला क्या है mRNA है। अब इस पे जो भी codon है उसको read करेगा, यहाँ पे ये anti-codon वाला portion किसका, tRNA का। आरएनए के अंदर आपको भी पता है एक फिफ्थ एंड होता है, एक थर्ड एंड होता है। तो ये देखिए, ऐसे फिफ्थ एंड आया और ये ऐसे ऐसे चलता हुआ, यहाँ पे सेरोटोनिन, यहाँ पे थर्ड एंड पे ये जो है वो आपका अमीनो एसिड अटैच हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा, देखिए टीआरएनए के पास में होता है एंटीकोडोन लूप। अब ये एंटीकोडोन लूप क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके, जो एमआरएनए है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये कोडोन है ए जी यू, तो ए के सामने यू आता है, जी के सामने सी आता है, यू के सामने ए आता है। तो इस टाइप से जो एमआरएनए का कोड है उसका एंटीकोडोन या इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन आप बोल सकते हो, ये होता है टीआरएनए के पास में। एंड इट ऑल्सो इज द अमीनो एसिड एक्सेप्टेंट, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला एंड भी होता है, टू विच इट बाइंड टू द अमीनो एसिड। अब टीआरएनए में क्या स्पेसिफिक है, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो टीआरएनए होता है वो
हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब यहाँ पे इसके लिए एक ही टीआरएनए है, इसके लिए ये अलग टीआरएनए है, इस टाइप से अलग 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 टीआरएनए होते हैं अलग अलग कोड के लिए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। यानी ये जो हमारा ये अमीनो एसिड है यहाँ पे सेरोटोनिन, इसके लिए यही टीआरएनए रहेगा, इसके लिए यही टीआरएनए रहेगा। तो हर एक अमीनो एसिड होता है ना उसका स्पेसिफिक हो सकता है। फॉर इनिशिएट, इनिशिएट करने के लिए देयर इज एन अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए इज रेफर टू द इनिशिएशन टीआरएनए, तो वहां पे इनिशिएशन टीआरएनए रहेगा। अब इनिशिएशन का कोडोन क्या था, आपको याद है जो आरएनए का कोडोन था, एमआरएनए का कोडोन बोल रहा हूं मैं, तो हमारे पास था वो ए यू जी। जब ये आएगा एमआरएनए के अंदर तो वहां से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब टीआरएनए के पास में कौन सा होना चाहिए, ए के सामने क्या था यू, यू के सामने क्या आएगा ए, और जी के सामने क्या आएगा सी। तो जिस यू ए सी ये वाला जिस कोडोन रहेगा टीआरएनए के पास में वो इनिशिएशन टीआरएनए देगा। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई अमीनो एसिड नहीं आ पाता है और वहां पे स्टॉप हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का होता है वो लुक लाइक क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है। यहां से आपका एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक है इसके अंदर सेंट्रल डोगमा वाला ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, दैट मीन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां पर होता क्या है, जो ये अमीनो एसिड होते हैं उनका ऑर्डर एंड सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड का वो डिफाइन किया जाता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहां पर जो हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस है उसको देखते हुए अमीनो एसिड का सीक्वेंस वहां पे लगता है। ये चीज क्लियर होगी, अभी हमने टीआरएनए पढ़ा था वही सब कुछ यहां पर आगे आएगा भी यूज। अमीनो एसिड जो होता है वो ज्वाइन करता है कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन करता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, इसका मतलब है यहां पर ये एक्टिव प्रोसेस होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर होता गया देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहां से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। द फर्स्ट फेज इटसेल्फ, यानी जो ट्रांसलेशन होता है उसमें सबसे पहला फेज, सबसे पहली चीज क्या होती है, अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड, सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं किसके प्रेजेंस में, एटीपी में, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी। तो उसकी प्रेजेंस में जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर किसके साथ लिंक करते हैं, ए लिंक टू देयर कोगनेट टीआरएनए, कोगनेट टीआरएनए जो इसके साथ में कनेक्ट होना है, एक स्पेसिफिक टीआरएनए जिसके साथ में वो अमीनो एसिड कनेक्ट होगा कोड के अकॉर्डिंग, वहां पर वो हो जाता है। और वो जो कनेक्शन होता है टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड का विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए को चार्ज कर दिया गया अमीनो एसिड को लिंक करके इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और इसको बोल सकते हो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो ये वर्ड आया था अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का। अब यहाँ पे होता क्या देखिए, इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को समझिए, ये हमारा है राइबोसोम, अब यहाँ पे ये है स्मॉल यूनिट, ये है लार्ज यूनिट, ये आपको पता है, ये हमारा एमआरएनए और यहाँ पर ये एमआरएनए के अंदर 3333 डिजिट में कोड है, ये हमारा टीआरएनए है, ये एंटीकोडोन लूप है और यहाँ पर जो है वो अमीनो एसिड ला रहा है जो कनेक्ट करके। अब होता क्या जाएगा, एक बार में यहाँ पे एक टीआरएनए है, फिर यहाँ पे इसी के पास में दो टीआरएनए आ जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में लिंक करते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये आपको ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही होगी जो ब्लू कलर के अंदर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा है, यही सब कुछ होता जाएगा। अब होगा क्या, सबसे पहले आपका इनिशिएटर जो है एयूजी कोड होना चाहिए, वहीं से ये स्टार्ट होगा और उसके बाद में धीरे 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 जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और स्टॉप कोडोन पे जाके रुक जाएगा, वहां पर एक फैक्टर होगा रिलीज फैक्टर, वो इस पूरे जो हमारी जो पेप्टाइड बॉन्ड बनी है, पेप्टाइड चेन बनी है, उसको रिलीज कर देगा यहां से। यही लिखा हुआ देखिए, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिटिक वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो कैटलिटिक है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे राइबोसोम। देखिए द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस प्रोटीन इज द राइबोसोम, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है कौन है, राइबोसोम, यानी यहाँ पर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, राइबोसोम बनता है स्ट्रक्चरल आरएनए से एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, और इसके अंदर अलग अलग 18 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है राइबोसोम से, इसके अलावा होती है आरएनए। अगर जब ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर रहता है कौन, आपका राइबोसोम,
तो यहाँ पे टू सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल वाले में, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर इन एमआरएनए। देखो ये जो स्मॉल यूनिट है इसके अंदर है एमआरएनए, क्लियर हो गया। और जो लार्ज यूनिट है यहाँ पर ही आपके टीआरएनए आ रहे हैं एंटीकोडोन लूप के साथ में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं एमआरएनए वाले के साथ में। द प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एमआरएनए प्रोटीन बिगेंस हो जाते हैं। यहाँ पे टू साइट होती है इन द लार्ज सब यूनिट, यहाँ पर देख रहे हो ये लार्ज सब यूनिट है, एक ये टीआरएनए वाली और एक ये टीआरएनए वाली, यहाँ पे दो सब यूनिट होती है लार्ज के अंदर। अब होता क्या है, फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू, ये क्यों होती है, ताकि यहाँ पे सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड बाइंड कर पाए, इसीलिए द क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और एक दूसरे के बिल्कुल पास आए ताकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन सके, ये एरो से दिखाया गया। द राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट, यहाँ पे ये जो राइबोसोम है ये आपका इलोंगेशन तो करवाए रहा है, यानी एमआरएनए के साथ साथ इसे आगे ले जाता जा रहा है और यहाँ पे ये चीज तो करवा ही रहा है, इसका अब एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ से एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, 23SRRNA, कौन सा आरएनए, 23SRRNA जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम राइबोसोम की तरह वर्क करता है। एआईपीएमटी 2011 में, 16 में, 18 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे देखिए होता क्या, ट्रांसलेशन यूनिट इज एमआरएनए द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडन, तो यहाँ पे होगा तो स्टार्ट कोडन से स्टार्ट, एट द स्टॉप कोडन ये जो है वो वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन रुक जाएगी, ये चीज क्लियर होगी। ओके अब होता क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक होते हैं यूटीआर, उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन यानी यूटीआर। अब होता क्या, जैसे ये फिफ्थ कोड है, अब यहाँ पे बहुत सारे कोडोन आ जाएंगे बट जब तक एयूजी नहीं आएगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, तो इससे पहले वाले जो कोडोन होते हैं वो अनट्रांसलेटेड रहेंगे, यानी वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाए। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका स्टॉप कोडोन आ गया, तो जैसे स्टॉप कोडोन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इससे आगे वाले जो कोडोन होंगे वो कोड नहीं कर पाएंगे, तो ये जो रीजन कहलाता है वो अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाता है। लिखा हुआ है द यूटीआर प्रेजेंट एट बोथ एंड, यहाँ पे फिफ्थ एंड यानी बिफोर स्टार्ट 10 कोडोन जो AUG है उससे पहले वाले कोडोन होंगे वो आएंगे, एंड थर्ड एंड पे भी होता है आफ्टर द स्टॉप कोडोन, तो यहां पे कोई स्टॉप कोडोन आ जाएगा उससे आगे वाले भी है वो भी नहीं कर पाएंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज क्लियर होगी। अब यही जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा है। इनिशिएशन के लिए क्या होगा, जो एमआरएनए है वो राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, स्टार्ट ऑन कोडोन एयूजी होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएटर टीआरएनए वहां पर आ जाएगा, राइबोसोम वापस इलोंगेशन का प्रोसेस करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। इस टाइम पे जो आपके कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है वो लिंक करते जाएंगे टीआरएनए के साथ में, और उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ में लिंक करके क्या बना लेंगे, टीआरएनए एंटीकोडोन जो होगा एमआरएनए के कोडोन के जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, और फिर यहाँ पे राइबोसोम मूव करते रहेंगे और यहाँ पे एमआरएनए के कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ऐड होते रहेंगे वन बाय वन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो टीआरएनए का एंटीकोडोन इसकी बात कर रहा है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात कर रहा है जो यहाँ पे बताई गई थी। अब देखिए ए के सामने यू आता है, जी के सामने सी आता है, यू के सामने ए आता है, तो ये वाला एंटीकोडोन के अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, यहाँ पर देखिए यू के सामने ए, ए के सामने यू और जी के सामने सी के सामने जी वाला, ये बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये एंटीकोडोन आते हैं और इसके सामने ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं ये वाला थ्री कोडोन, ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पे ये इलोंगेशन होता जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती जाती है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एट द एंड क्या होता है वह इंपॉर्टेंट है, रिलीज फैक्टर, एक रिलीज फैक्टर जो स्टॉप कोडोन के साथ में बाइंड करता है और वहाँ पर टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, और जितना भी वो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसको रिलीज कर देता है और यहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस उतना हो जाता है, क्लियर हो गया। कि अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए जीन वर्ड जो है इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है, एक जीन एक फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है और बहुत सारे फंक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। जीन के वगैरह के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको रेगुलेट करना यानी वो जीन कैसे फंक्शन करेगा, क्या फंक्शन करेगा, ये सब कुछ रेगुलेशन वगैरह कैसे होता है, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे इस टॉपिक में है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को क्या होता है, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं कह सकते कि छोटा सा टर्म है कि यहाँ पे सिंपल जीन एक्सप्रेशन ऐसे होता है ऐसे होता है, ये बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है विच अकर एट वेरियस लेवल, ये बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है उसका फंक्शन वगैरह, और क्या चीज़ रेगुलेट कर रहा है, क्या कुछ है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, मान लीजिए कि कोई जीन एक्सप्रेशन है तो जीन एक्सप्रेशन क्या करेगा, एंजाइम्स वगैरह बनाएगा, एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन के होते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड वो सिंथेसाइज करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा।
तो इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। तो यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जाता है बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर। अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें, यहाँ पर यूकेरियोटिक की बात अगर करें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। फिर प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्लाइसिंग, यानी जो इंट्रोन को रिमूव करके एक्सोन को जोड़ के एक मैच्योर एमआरएनए बनाया जा रहा होता है, उस लेवल पे भी हो सकता है। या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, यानी जो हमारा एमआरएनए उसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल के साइटोप्लाज्म में लाना, उस लेवल पे भी उसको रेगुलेशन देखा जा सकता है। या फिर ट्रांसलेशन लेवल, जब प्रोटीन बन रही होती है तब भी ये देखा जाता है कि कैसे पेप्टाइड जो वो कौन सा जीन एक्सप्रेशन करके कैसा प्रोटीन बना रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। जीन क्या कर सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो जीन होता है एक सेल के अंदर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शंस, यानी एक जीन या तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है या बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। एक एग्जांपल दिया गया है और यही लेक ओपेरॉन के अंदर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है लैक्टोज का और लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। क्लियर है। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर लैक्टोज है ही नहीं, इस बैक्टीरिया के पास कोई लैक्टोज ही नहीं है। अगर लैक्टोज नहीं है तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्या कोई इंपॉर्टेंस है, कोई जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बट लैक्टोज ही नहीं है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को किस में क्या कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो इसीलिए लिखा गया इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अगर उसके पास लैक्टोज नहीं है अराउंड देम टू यूटिलाइज द एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम द बीटा गैलेक्टोसाइड। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि सोर्स कैसा है, सोर्स पे एंजाइम डिपेंड करेगा और फिर उस एंजाइम को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, किसी जीन की। वो जीन क्या करेगा, किसी एंजाइम को बनाएगा और फिर वो एंजाइम जो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस टाइप से हमारा सोर्स चीज़ों पे भी, बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए बोला गया देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी जीन जो होता है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये मेटाबॉलिक वे पे भी डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, तो वहां पर भी बहुत सारे सेवरल सेट ऑफ जीन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में रेगुलेट करते हैं, तब जाके एक एम्ब्रियो जो होता है वो आपका डेवलप एंड डिफरेंशिएट होता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जीन्स। क्लियर है, ओके। अब ये कैसे होते हैं, क्या कुछ होते हैं, हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर बोला गया है द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ है यहाँ पे कोई भी स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होता है। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रोनिक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक आप समझती हो कि यहाँ पर जो है बहुत सारे सिस्ट्रोन होंगे वो डायरेक्ट एमआरएनए को कन्वर्ट कर देंगे और वो एमआरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना लेगा। बट वहाँ पर हमारे अंदर जो था यूकेरियोटिक के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसको स्प्लाइसिंग वगैरह करके इंट्रोन को रिमूव करके ऐसा कुछ हो रहा था, इसलिए वो मोनोसिस्ट्रोनिक था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है उससे बाहर आएगा, तो ये सब कुछ भी नहीं है। जो यूकेरियोटिक के अंदर ये वाले प्रोसेस थे कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग वगैरह ये भी नहीं होगा, एमआरएनए से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये भी नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल फिर ट्रांसलेशन लेवल आ जाता है। तो मेनली अगर ट्रांसक्रिप्शन सही होगा तो यहाँ पर जो है वो जीन एक्सप्रेशन भी सही होगा। इसलिए बोला कि यहां पे जो कंट्रोल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएट्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है जीन एक्सप्रेशन के लिए प्रोकैरियोटिक के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पर प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है उस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखिए इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है वो आपका डीएनए से क्या बनाया जाता है, आरएनए ही बनाया जाता है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी एट ए गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेट बाय इंटरेक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रमोटर आपको पता है जहाँ से आपका आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रमोटर एक साइट होती है, एक टर्मिनेटर साइट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्रमोटर जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके आसपास होती है कुछ ऐसी एक्सेसरी प्रोटीन जो इंटरेक्ट करती है प्रमोटर से और वो प्रमोटर को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और स्टार्ट साइट को कि यहाँ पर इसको स्टार्ट होना है या नहीं होना है। अगर वो जो आपके एक्सेसरी प्रोटीन है जो आपके प्रमोटर के बिल्कुल पास में होती है वो अगर पॉजिटिवली करती है तो उसको एक्टिवेट कर देती है और वो आपका आगे एमआरएनए बना लेता है। अगर वहां पर उसको लगता है कि नहीं इसको एक्टिवेट नहीं करना, तो वो नेगेटिवली वहां पर एक्ट करती है और रिप्रेसर की तरह, और वहां पर आगे वाला जो प्रोसेस है उसको रोक देती है।
क्लियर हो गया, ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये जो उसके आसपास जो प्रमोटर है, प्रमोटर के आसपास जो ये प्रोटीन होती है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन को क्या कहलाते हैं। देखिए, द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज इन मेनी केसेस रेगुलेट बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर, तो वो कहलाती है ऑपरेटर। यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पर समझिए, ये आई होता है इनहिबिटर, ये आई यहाँ पर है इनहिबिटर, इस डायग्राम से समझिए। ये जो पी दिखाई दे रहा है ये आपका प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब है कि यहाँ से आपका आरएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा, ये वो साइट है जहाँ से वो इनिशिएट करेगी। अब इसके पास में ओ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर तो एक बार रिप्रेसर लगा हुआ, ये देखिए ओ लिखा हुआ है, ये ओ का मतलब यहाँ पर है ऑपरेटर, यानी इस प्रमोटर के बिल्कुल पास में होता है ऑपरेटर। ये ऑपरेट करता है कि आगे वाले जो ये एंजाइम्स वगैरह हैं क्या इससे mRNA बनाना है या नहीं बनाना है। तो यहां पर ये जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर एक mRNA बनाता है जिसका नाम है रिप्रेसर mRNA, और आपको पता है RNA से ट्रांसलेशन होके बनती है प्रोटीन, यहां पे जो प्रोटीन बन रही है उसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है वो क्या कर जाती है, ये जो हमारा ऑपरेटर बताया है इसके साथ में बाइंड कर गई, इसके साथ में बाइंड कर गई, तो यहाँ पे ये जो प्रमोटर है, यहाँ प्रमोटर से आगे वाले जो एंजाइम है उसको इनिशिएट नहीं होने देगी, इनिशिएट नहीं होने देगी, इसका मतलब इस डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। ये काम किसने किया, रिप्रेसर ने किया। यहाँ पे जो इनहिबिटर वाला है, ये आई का मतलब यहाँ पे इनहिबिटर है, क्लियर है। तो ये आपका इनहिबिटर वाला जो प्रोटीन बनाता है, ये जो इनहिबिटर जो जीन है वो आपका रिप्रेसर बनाता है, वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, फिर आपका डीएनए से आरएनए नहीं बन पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है ये ऑपरेटर के बारे में, कि ऑपरेटर जो होता है, देखिए लिखा भी हुआ है, जो ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर, एडजेसेंट समझती हो, मतलब ऑपरेटर के बिल्कुल पास जो होता है प्रमोटर होता है, प्रमोटर के बिल्कुल पास में, इन मोस्ट ऑपरेटर, इन मोस्ट केसेज द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन। और ज़्यादातर केस में होता क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो रिप्रेसर होता है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ में, और आगे वाला काम फंक्शन उसको नहीं होने देता जब तक जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होने देगा, अगर मान लो कि यहां पर इन एंजाइम को यूज होना है, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर होना है तब यह होगा, अगर यहां पर इसको लग रहा है कि अब इनका कोई भी यूज नहीं है इस टाइम पे, तो ये इसको यहां पर रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा और ये आगे वाला जो फंक्शन है ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर वगैरह क्या होता है वो हम लेक ऑपरेंड के अंदर डिस्कस करेंगे, पहले आपको ये जो लिख रखा है वो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया, ये साफ साफ हो गया। अब यहाँ पे आगे लिखा है ईच ऑपरेन हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर, हर एक ऑपरेन के अंदर इसका स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। हर एक ऑपेरॉन के अंदर क्या होता है, उसका एक ऑपरेटर होता है और एक एक रिप्रेसर होता है। अब आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल लेक ऑपरेटर जो है इज प्रेजेंट ओनली इन लेक ऑपेरॉन, यानी जो लेक्टोज, जो आपका लेक का यहाँ पे लेक्टोज की बात कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लैक्टोज ऑपरेटर है, यहाँ पर ये लैक ऑपेरॉन में इंटरेक्ट होगा स्पेसिफिकली, एंड लैक रिप्रेसर भी यहाँ पर ही होगा। तो ये यहाँ पर जो लैक ऑपरेटर के लिए स्पेसिफिक रिप्रेसर होगा, स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैक ऑपेरॉन की, यहाँ पर मतलब लैक्टोज ऑपरेटर की, लिखा भी हुआ देखिए, हेयर लैक का मतलब होता है लैक्टोज, इस लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज ऑपेरॉन की बात कर रहे हैं। अब कैसा होता है, क्या कुछ होता है, मैं यहाँ से आपको डायग्राम से पहले समझाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। मान लीजिए हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। अब जो भी बैक्टीरिया है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको चाहिए फूड, फूड किसके लिए, एनर्जी ऑफ द, मतलब एनर्जी के लिए, तो एक सोर्स होता है जिसे एनर्जी मिल पाए, और हमारे अंदर मेनली होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो मान लो ये ई कोलाई है, इसके पास ग्लूकोज नहीं है इस टाइम पे, क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो यहां पर इस बैक्टीरिया को दिया जाता है लैक्टोज, क्या दिया जाता है, लैक्टोज दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इस ई कोलाई के आसपास लैक्टोज है, तो कुछ एक लैक्टोज, बहुत ही कम एक मात्रा के अंदर लैक्टोज जो होता है वो इस परमेज, यहाँ पर एक देखिए परमेज लिखा हुआ है, इस परमेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो लैक्टोज होता है वो थोड़ा सा अंदर आ जाता है। अंदर आते ही ये काम करता है इंड्यूसर की तरह, किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह, लैक्टोज यहाँ पे जैसे ही अंदर आता है ये काम करता है इंड्यूसर की तरह। अब ये इंड्यूसर क्या करता है वो समझो, पहले क्या करा था, ये जो रिप्रेसर था वो बाइंड करा था ऑपरेटर जीन को, आगे का फंक्शन नहीं होने दे रहा था क्योंकि यूज भी नहीं था उस टाइम पे, बट यहाँ पर आ गया इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, यहाँ पर लैक्टोज। अब ये इंड्यूसर क्या करता है, इस रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाता है और इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। जैसे रिप्रेसर इनएक्टिव होता है तो यहाँ पर ये जो पी मतलब प्रमोटर है ये अपना फंक्शन स्टार्ट करता है और यहाँ पर बन जाता है आपका लेक एम आर एन ए,
क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे ये लेक एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, यानी कुछ एक एंजाइम बनाएगा, बीटा ग्लिकोसाइडेज बना लेगा, परमीएज बना लेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बना लेगा। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और आपको पता है यहाँ पे है जीन्स, और जीन्स क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे जेड जो है वो बनाता है आपका बीटा ग्लिकोसाइडेज, वाई बनाता है परमीएज, और ए बनाता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से ये चीजें होती क्या है, अब ये जो बीटा ग्लिकोसाइडेज है ना, वो जो लैक्टोज आया था जिसने आपका कुछ एक लैक्टोज, तो यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करता है, सारा लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेगा। तो ये बीटा ग्लिकोज अभी अभी बताया था, ये लैक्टोज को क्या इसमें कन्वर्ट कर देगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर, और ये जो आपके मोनोसेक्राइड बन गए हैं, अब उनको जैसे पहले ग्लूकोज की तरह सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करा था, अब इनको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर लेगा। ये होता है लैकोपेरॉन के अंदर। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ट्रांसलेशन होके आपके प्रोटीन बना रहा है, जो आपके जीन्स एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअल में होते ही क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन करके ये क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, ये इंड्यूसर में है। अब यही सब कुछ थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है, ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 में, 13 में, 15 में, 18 में और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लैक ओपेरॉन से। अब यहाँ पे समझते हैं, द इल्यूसिडेशन ऑफ द लॉक ओपेरॉन वॉज ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, वो एकदम पास आए, एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तब जाकर जो है वो लॉक ओपेरॉन के बारे में पता चला। दो साइंटिस्ट कौन से थे, एक तो जेनेटिक्स थे फ्रांसिस जेकोब, और एक बायोकेमिस्ट थे जेको मोनोड, यानी जेकोब एंड मोनोड, ये ऐसा नाम आ सकता है, ज़्यादातर सरनेम आते हैं तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इलुसिडेट किया ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी सिस्टम को, यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की। यहां पे लैक का मतलब लैक्टोज, आपको बता चुका हूं, ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। अब आपको समझ में आ चुका होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक क्यों है, क्योंकि हर एक सिस्ट्रोन अपना अलग से आरएनए बनाएगा और वही आरएनए आपका अलग है प्रोटीन बना लेगा। तो ये चीजें हमने पढ़ चुके थे कि ये आपका यूप्रोकैरियोटिक के अंदर होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर, एक कॉमन प्रमोटर होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, ये ज्यादातर वेरी कॉमन होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसको बोला जाता है ओपेरॉन। अब आपको ओपेरॉन भी समझ में आ चुका होगा, द नेम और फ्यू सच एग्जाम्पल ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे लैक ओपेरॉन आपका हो गया लैक्टोज वाला, फिर टीआरपी ओपेरॉन, एरा हिस्टोन ओपेरॉन हो सकता है, वेलिन ओपेरॉन हो सकता है, तो इस टाइप के अलग अलग ओपेरॉन हो सकते हैं जो अलग अलग चीजों को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आप बात भी करेंगे आगे, पहले लैक्टोज ओपेरॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वन रेगुलेटरी जीन होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको बोलते हैं आई जीन। यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे आई का मतलब है इनहिबिटर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो आपका आई जीन है इसको बता दिया था कि ये इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर यही तो इनहिबिट कर रहा है क्योंकि प्रमोटर को काम नहीं करने दे रहा है, उसको रोक रहा है, तो इसीलिए इसका नाम आई इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है। ये चीज क्लियर होगी। इसके अलावा तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, देखिए एक तो आपका रेगुलेटरी जीन है जो पूरे फंक्शन को रेगुलेट करता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आता है जेड वाई और ए। अब आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, ये तो हमें पता ही चल गया डायग्राम से। जेड जीन क्या बना रहा है, बीटा ग्लिकोसाइडेज, दैट इज बीटा ग्लिकोसाइडेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जेड बनाएगा बीटा ग्लिकोसाइडेज, वाई बनाएगा परमीएज, ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड, ये तो पता ही है कि लैक्टोज को कन्वर्ट करता है मोनोमरिक गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ये तो अभी पढ़ के आए थे, बीटा ग्लिकोसाइडेज का ये फंक्शन है। अब वाई जीन क्या करता है, परमीएज के लिए इंक्रीज कर देता है परमीएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लिकोसाइडेज, कि ज्यादा से ज्यादा बीटा ग्लिकोसाइडेज वहाँ पे परमीएबिलिटी बढ़ जाए और लैक्टोज अच्छे से अंदर आ पाए और उसका फंक्शन परफॉर्म हो पाए। ए जीन क्या करता है, इनकोडेड ट्रांस एसिटाइलेज का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो तीनों जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, तीनों के तीनों थ्री स्ट्रक्चरल जीन है, प्रोडक्ट इन ए लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, तो तीनों के तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर वर्क कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है, जैसे हिस ओपेरॉन यानी हिस्टोन के लिए, वेल ओपेरॉन यानी वेलिन के लिए, इन मोस्ट अदर ओपेरॉन एज वेल, ज्यादातर जो अदर ओपेरॉन है जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें भी क्या होता है, जो जीन प्रेजेंट, जो जितने भी टाइप के जीन होते हैं वहां पर, नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम, यानी एक ही मेटाबॉलिक वे में वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये सब चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर लैक्टोज जो वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है एक एंजाइम बीटा ग्लिकोसाइडेज में, और वो रेगुलेट करता है स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, क्यों, क्योंकि वो इंड्यूसर की तरह काम करता है, हेंस इट इज टर्म्ड एज द इंड्यूसर। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर ये जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज है, ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिख दिया है। अब आगे देख लेते हैं, देखिए
इन द एब्सेंस ऑफ प्रीफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ मैंने बोला था ज्यादातर सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज की एब्सेंस हो गई वहां पर है नहीं, तब वहां पर लैक्टोज अगर प्रोवाइडेड कर दिया जाए ग्रोथ मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को, तो वो जो लैक्टोज होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो आपका वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ही लो लेवल में तो ये चलता रहता है हमेशा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड यू मान ले कि 1%, परमेज 1%, ट्रांसएसिटाइलेज 1%, इतना तो ये चलता रहता है, इतना तो रहता ही है, पर जैसे इंड्यूजर लग जाता है उसके बाद में यहां पर ये कंटिन्यूसली अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है और फिर जब वो नहीं होगा तो वापस रुक जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यहां पर ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपेरोन इन द फॉलोइंग मैनर, इसलिए लैक्टोज यहां पे इंड्यूसर का काम करेगा, लिखा भी हो देखिए। द रिप्रेशर ऑफ द ऑपेरोन वाज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंटिन्यूस, तो रिप्रेशर तो हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है फ्रॉम आइजिन। द रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरोन, वो ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर जाता है एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसको रोक देता है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे ही इंड्यूसर आता है, इंड्यूसर कौन से हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, सच एज लैक्टोज एंड एलोलेज, नी 2016 याद रखना है क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर इंड्यूसर कौन सा है, लैक्टोज और एलोलैक्टेज इन द केस ऑफ लैकोपेरोन के अंदर। फिर ये क्या करते हैं, ये रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर देते हैं और इसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देते हैं इंड्यूसर। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एसेस टू प्रमोटर और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होता है और फिर वहाँ पे लैकोपेरोन जो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं वो कभी भी इंड्यूसर नहीं हो सकते, आपको याद रखते हैं। यहाँ पे इंड्यूसर केवल और केवल लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर नहीं हो सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन यहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिवली होता है, लैकोपेरोन अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, बट ये यहाँ पर हायर क्लासेस के अंदर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर ये नेगेटिव है क्योंकि ये रिप्रेसर बना रहा है और उसको रोक रहा है, तो और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वो अलग केसेज है, यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो होता है डीएनए के अंदर, यानी अगर हम डीएनए का सीक्वेंस हमें पता है तो इसका मतलब हमें उसका जेनेटिक मेकअप पूरा पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इफ टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग है तो वहाँ पर उनका डीएनए जो है वो भी अलग अलग होगा एटलीस्ट सम प्लेस पे। यानी अगर मान लीजिए कि आपके फादर हैं, ठीक है, आपके मदर हैं और आप खुद हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन तीनों का डीएनए का सीक्वेंस भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ही सीक्वेंस अलग हो जाएगा, बट एट सम पॉइंट यहाँ पर अलग अलग होता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हमें करना क्या था, यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन जीनोम का पता करना था, फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, यानी हर एक बेस पेयर जो है हमारा उसका सीक्वेंस पता करना था कि वो कौन सा बेस पेयर है, यानी क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखना था कि सिंपल एंड फास्ट टेक्निक होनी चाहिए जिसके द्वारा हम डीएनए सीक्वेंस को कभी भी यूज कर पाएं एज ए सोर्स की तरह। क्लियर है? तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च हुआ था इन द ईयर ऑफ 1990। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोला गया था। अब क्यों बोला गया था, क्योंकि ये बहुत ईयर तक, 13 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट चला था और बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पैसा भी लगा था। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बोला गया कि आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास टोटल 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अगर हम एक बेस पेयर के अंदर $3 का मान ले कि सीक्वेंस को पता करने के लिए $1 जो है वो $3 लगेगा, मतलब एक बेस पेयर को पता करने के लिए हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस लगेगा वो $3 लगेगा। तो आप ये सोचिए, यहाँ पे टोटल $9 बिलियन का खर्चा आ रहा था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को पता करने के लिए। और ये कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ये ऐसे थे कि मान लीजिए एक बेस पेयर को हम मान रहे हैं कि एक लेटर है, तो टोटल यहाँ पर ये बोला गया कि अगर 1000 लेटर हो, वो उसमें 1000 पेजेस हो, ऐसी 3300 बुक्स हो, तब जाकर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो पाएगी डीएनए की। यानी यहाँ पर एक लेटर का मतलब है एक बेस पेयर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3.3×10^9 बेस पेयर, यानी 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है। तो इतना सारा डाटा को हमें यहाँ पर जनरेट भी करना था और उसको हाई स्पीड के अंदर कंप्यूटेशनल भी करना था, यानी यहाँ पे डाटा को स्टोर भी करना था, रिट्रीवाइल उसको एनालाइज भी करना था बाद में, क्योंकि उसको यूज़ भी करना था, उसी डाटा को बार बार यूज़ भी करना था, तो इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना वो क्लोजली एसोसिएटेड है एक और बायोलॉजी की एरिया के, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी
इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि डीएनए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पर कोई भी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके कुछ गोल होते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट से ये अचीव करना है। तो यहाँ पर इसी तरह जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका भी स्टार्टिंग में क्या क्या गोल थे, पहला था आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, यानी ये बोला गया था कि जितने भी जीन्स है 20,000 से 25,000 जो भी ह्यूमन के अंदर डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स है उनका पता लगाना था। इसके अलावा था सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, यानी जो 3 बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर है, उन सब का पता लगाना था कि कौन सा बेस पेयर कहाँ पर है। फिर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। फिर यहाँ पर जो टूल्स हैं जहाँ पर इनको स्टोर किया है उसको एनालिसिस के लिए उन टूल्स को इम्प्रूव करना था। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको अदर सेक्टर में भी ट्रांसफर करना था, जैसे अदर इंडस्ट्रीज हो गई उनके अंदर भी। इसके अलावा जो इथिकल, लीगल और सोशल इश्यू इससे उठने वाले थे उनको भी देखना था, ठीक है, क्योंकि कई ऐसी कम्युनिटी थी जिनको ये लग रहा था कि ऐसा करना अच्छा है, किसी को लग रहा था ये अच्छा नहीं है, किसी में लीगल इशू उठ रहे थे, सोशल इशू उठ रहे थे, तो उन चीज़ों को भी देखना था। तो उसको बोलते हैं LC, इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यू को भी एड्रेस करना था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, क्योंकि ये 13 ईयर प्रोजेक्ट था, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट था वो 13 ईयर्स तक चला था। और ये किसमें, कौन इसको संभाल रहा था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो थे ये इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे। जब स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर वेलकम ट्रस्ट जो UK का ट्रस्ट है वो एक मेजर पार्टनर था। इसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 के अंदर, आप ये समझ लिए 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, तो 13 ईयर तक ये प्रोजेक्ट चला था। अब इसमें क्या करना था, ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डीएनए का सीक्वेंस पता चल रहा था। इसके द्वारा अगर सीक्वेंस पता चल रहा था तो जो फ्यूचर के अंदर जितनी भी डिजीज वगैरह जो कुछ भी आ रहा था, जो भी डिसऑर्डर आ रहे थे जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट कर रहे थे जेनेटिकली, उनका भी पता लगाया जा सकता था। अब यहाँ पर ये चीज होती थी ह्यूमन जीनोम के लिए, बट इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस भी पता लगाया गया, क्यों, क्योंकि देखिए हम नॉन ह्यूमन जो होते हैं वहां से भी बहुत सारी चीजें लेते हैं। फॉर एग्जांपल वहां से हम हेल्थ केयर सोसाइटी में, एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एक ऑर्गेनिज्म था जो नॉन ह्यूमन थे बट उनका भी सीक्वेंस पता लगाया गया, वो कौन से थे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, आपका सेनेरो हैबिटेटिस एलिगेंस हो गया जो एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमोटोड है, ड्रोसोफिला हो गई, फ्रूट फ्लाई प्लांट हो गए, राइस और एरेबिडोसिस, इन सब का भी सीक्वेंस पता है, ऑल्सो बीन सीक्वेंस इनका भी पता लगाया गया था। अब सब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इस सीक्वेंस को कैसे पता लगाया, तो यहाँ पे दो मेजर अप्रोच हुई मेथोलॉजीज के अंदर। पहली ये थी कि उन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स, दैट इज ETS। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका ETS, क्योंकि यहां से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे इसके अलावा और क्या हुआ था, द ह्यूमन दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो देखिए एक तो जो एक्सप्रेस हो रहे थे आरएनए की फॉर्म में उनको तो आइडेंटिफाई करना था, जीन्स को बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा सभी जो भी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस था, यानी कंप्लीट जीनोम जो था उसका सीक्वेंस भी यहां पर पता लगाना था, और बाद में उसको लेटर असाइन डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, और बाद में उसको देखना था कि वो अगर फंक्शन वगैरह भी कोई परफॉर्म करे वो भी पता चल रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। इसको बोला गया था टर्म रेफर एज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन है मतलब कंप्लीट सीक्वेंस जो है उसको आप नोट कर लो, एनोटेशन का मतलब क्या होता है, सिनोनिमस क्या होता है, नोट कर लेना, तो पूरे सीक्वेंस को भी नोट करना था। अब आपको ये पता है कि टोटल जो डीएनए होता है वो काफी लॉन्ग होता है, उसको आइसोलेट करना और फिर उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, क्यों, क्योंकि स्मॉलर साइज जो था उससे काफी आसानी से हम जो है वो निकाल सकते थे, क्योंकि अगर वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए होगा तो उसको निकालने के लिए टेक्निकल लिमिटेशन होगी, उसको पूरे कंप्लीट को नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पर उसके फ्रेगमेंट कर लिए थे। फिर उनको क्लोन किया गया सूटेबल होस्ट के वैक्टर को यूज करके, और फिर वहां पर उसको एम्पलीफिकेशन करके, और फिर वहां पर डीएनए फ्रेगमेंट जो थे उनका सीक्वेंस का पता लगाया गया था। क्लियर है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम दोबारा पढ़ेंगे कि क्या कुछ होता है, ये होस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और ये सब कुछ सीक्वेंस कैसे होता है, तो आप डिटेल में वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात करेंगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो वेक्टर यहां पर दिए गए हैं जो इसके अंदर यूज किए गए थे, यहां से आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, एक था बैक्टीरिया और एक था ईस्ट। जो बैक्टीरिया था उसको बोला गया था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, जो ईस्ट वेक्टर थे उनको बोला गया था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये आपको याद रखने हैं, यानी BAC और YAC क्या थे। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो अलग अलग फ्रेगमेंट थे उन पे क्या हुआ था, अब यहां पे देखिए आगे क्या हुआ था।
अलग अलग जो हमारे पास फ्रेगमेंट थे, क्योंकि हम कंप्लीट डीएनए को तो यूज नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इसके छोटे 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 कंप्लीट जो फ्रेगमेंट निकाल के फिर इसका सीक्वेंस देख रहे थे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस टाइप से अलग 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 सीक्वेंस देख रहे थे। और यहां पर ये पूरा वर्किंग जो था, ये प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर ने यहां पर ये चीज जो वो डेवलप की थी। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप मेथड किया था डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है उसको कैसे डिटरमाइन किएंगे, ये भी फ्रेडरिक सेंगर ने ही जो है वो डेवलप किया था मेथड। तो यहाँ पर इसके अंदर ये वाला जो मेथड था कि फ्रेगमेंट्स जो है उनको निकाल लो, फिर ओवरलैप कर लो, और फिर वहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है उसको छोड़ दो और बाकी कंप्लीट सीक्वेंस उसका पता लगा लो। दी सीक्वेंस वर देन अरेंज बेसिस ऑन सम ओवरलैपिंग सीक्वेंस में उनको लगा दो, फिर वहाँ पर उसको ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जो सीक्वेंस के अंदर आ रहा है उसको हटा दो। ह्यूमिलिटी नॉट पॉसिबल, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप। तो ये ह्यूमनली जो है वो तो ऐसा हो नहीं सकता था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंप्यूटर थे उनमें स्पेशल प्रोग्राम जो वो डेवलप किए गए और फिर वहां पर इन चीजों को स्टोर किया गया। तो यहां पर इसीलिए यहां पर देख सकते हो कि पहले एक ह्यूमन है, ह्यूमन का एक सेल है, सेल में से उसका डीएनए क्रोमोसोम निकालते हैं, क्रोमोसोम से डीएनए निकालते हैं और फिर उसको कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर दिखाया गया है, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीट ओनली इन मई 2006। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2003 तक चला था, बट जो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो हमारे अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम, उसमें जो फर्स्ट क्रोमोसोम था ना उसका पता लगाया गया था मई 2006 में, यानी वो जो सबसे लॉन्ग क्रोमोसोम था वो सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ था, मई 2006 में। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन जीनोम क्रोमोसोम। अब आप कहोगे कि हमने तो अभी अभी बात की थी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये 24 की क्या बात कर रहा है। ये जो हमारे 22 क्रोमोसोम होते हैं ये तो होते हैं होमोलोगस, तो ये तो होमोलोगस होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इनको बोला गया ये 22 हो गए और 23 हमारा एक्स हो गया, 24 वाई हो गया, इसीलिए बोला गया। यहाँ पर बोल भी गया कि 22 तो ऑटोसोम वाले हो गए, फिर एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, तो इस तरह हमारे 24 क्रोमोसोम हो गए, उनको हमने सीक्वेंस लगा के पता किया था। ये चीज क्लियर होगी। बाद में उसको यहां पर जो है वो दिस वाज द जनरेट यूजिंग इन्फॉर्मेशन पॉलीमोरफिज्म ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमोरफिज्म का मतलब होता है कि यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन इन द जेनेटिक कोड, यानी कंप्लीट जो आपका जेनेटिक कोड है उसमें कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े वेरिएशन आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा अलग निकल कर आ रहा था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, आपका एंजाइम होता है जो अंदर कट लगाता है। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, और उसके अंदर कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस थे, यानी जो बार 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 रिपीट हो रहे थे, उनको बोला गया है माइक्रोसैटेलाइट। अब ये क्या होता है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी वो पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन के अंदर भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ तो उसके कुछ फीचर निकल के आए, और वो फीचर में सबसे पहले दिया था द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे, उसमें टोटल 3000 बेस पेयर, द एवरेज जीन, एक जीन के पास में लगभग 3000 बेसिस थे। बट यहाँ पर ये साइज अलग अलग भी हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल ड्रिस्टोफिन जो जीन है उसकी बात करें तो उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जो जीन होते हैं वो बेस से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर लगभग एक जीन के अंदर 3000 बेस होती है, बट यहाँ पे ड्रिस्टोफिन के अंदर बोला गया कि 2.4 मिलियन बेस थे। टोटल नंबर ऑफ जीन जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 थे। स्टार्टिंग में ये एस्टिमेट था कि ये 80,000 से 1,40,000 होंगे, बट यहाँ पर 30,000 जीन्स ही निकल कर आए थे। इसके अलावा जो 99.9% जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो लगभग सेम होते हैं सभी पीपल के अंदर। इसके अलावा क्या बोला गया था, फंक्शन आर अननोन फॉर 50% ऑफ द डिस्कवर जीन। जो अभी तक जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं उनमें 50% का तो अभी तक ये नहीं पता कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं वो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मेकअप लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन, मान ली बार बार एक ही रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, मतलब सेम टाइप का बार बार सेम हो रहा है, ये ज्यादातर यही लार्ज पोर्शन में आ रहा था। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्टेज टू डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेटिव मेनी टाइप्स, यानी वो चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, समटाइम 100 to 1000 टाइम, कई बार तो हो रहा था कि वही सेम सीक्वेंस जो था वो 100 to 1000 टाइम वही बार बार वही सीक्वेंस निकल कर आ रहा था। दे आर थॉट टू बी हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, ये सोचा जा रहा था कि उनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट सेड लाइट टू द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड इवोल्यूशन, ये कुछ ना कुछ तो रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। जो क्रोमोसोम हैं उसमें सबसे ज्यादा जीन थे 2968, इसीलिए आप समझिए कि ये 2006 तक चलता रहा, और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन्स मिलते हैं दैट इज 2 3 1।
क्लियर है। इसके अलावा साइंटिफिक आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पर केवल सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस था, मतलब बाकी सब सेम था। जैसे मान लो जी ए टी सी है और मैं यहां पे बोल देता हूं कि यहां पर जी टी टी सी है, तो ये एक ही बेस का डिफरेंस हो गया बस, बाकी तो सब सेम है। इस टाइप की 1.4 मिलियन लोकेशन थी जहां पर बाकी सब सेम था, केवल एक ही बेस का डिफरेंस था डीएनए के अंदर, उनको बोला जाता है स्निप्स, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बता चुका हूं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, उसको बोलते हैं स्निप्स। दिस इन्फॉर्मेशन प्रोमिस टू रिवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री और अगर जो डिजीज वगैरह हो रही है उनके बारे में भी पता लग सकता है। अब क्या एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और क्या फ्यूचर चैलेंज है? सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर ये जो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई है, ये बहुत सारी जगह हेल्प करेगी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हेल्प डलेगी। इसके अलावा जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है इसका बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंपैक्ट होने वाला है, वेल बी एनेबलिंग द रेडिकली न्यू अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। अब बहुत सारी अलग अलग रिसर्च होगी जहां पर डीएनए के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, क्लियर है। अब यहां पर आगे भी बोला गया कि यहां पे रिसर्च स्टडी भी हो सकती है किसी भी आपके जीन वगैरह पे। इसके अलावा क्या लिखा है देखिए, दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन ए जीनोम। इसके अलावा यहाँ पे जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन पे भी स्टडी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्शन इन ए पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन ट्यूमर और हाउ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जीनोम एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्गेनाइज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये सब कुछ हो सकता है पॉसिबल किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमें यह पता है कि जो 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है वो लगभग ह्यूमन के अंदर सेम होता है, यानी 0.01 जो है केवल वही डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस की वजह से हर एक इंडिविजुअल का आप देखोगे कि एक यूनिक फिनोटाइपिक अपीयरेंस होता है, यानी उसका जो अपीयरेंस होता है वो लगभग हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, क्लियर है। तो इसका मतलब लगभग बाकी सब में सेम है। इफ वन एम टू फाइंड आउट, अगर किसी को जेनेटिक डिफरेंस पता करना है दो इंडिविजुअल के बीच में, तो आप समझिए कि वहां पे बहुत सारे बेस पेयर हैं, तो यहां पर एक डॉन्टिंग मतलब डीमोटिवेटिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क हो सकता है, बट यहीं पे रोल आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो कि बहुत ही क्विक वे है जिसके द्वारा हम डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं दो इंडिविजुअल के अंदर। अब यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे उनका डिफरेंस निकालेंगे, ये डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट आ चुकी है नीट 2021 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें कुछ कुछ जगह पर वहां पर उनमें डिफरेंस निकाला जाता है, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। यही आया था ऑप्शन के अंदर, ये डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट आई हुई है। बिकॉज इन दीन सीक्वेंस ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि अभी बात की थी कि यहां पर जो आपका 1.4 मिलियन लोकेशन तो ऐसी थी जहां पर केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस था, बाकी सब सेम थे, और हमने ये भी बात की थी कि आपका मेजर जो पार्ट था वो रिपीटेड था, यानी 100 to 1000 टाइम जो आपकी चीज़ें थी वो रिपीट हो रही थी, वो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर देखा था। तो वही यहाँ पर बता रहा है जो हमारा रिपीट हो रहा है बार बार पोर्शन, वो किस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है उसी के बेस पे हम जो है वो निकालते हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब लिखा हुआ है देखिए, डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम, जो पूरा एक कंप्लीट जीनोम का जो डीएनए है उसमें से निकाला जाता है, एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो बल्क डीएनए का अलग आता है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनमें मेजर पीक और स्मॉल पीक वगैरह आते रहते हैं। अब देखिए लिखा है द बल्क डीएनए फॉर्म्स ए मेजर पीक, जो मेनली जो डीएनए होगा वो एक मेजर पीक बना लेगा, और उसके बाद में बहुत स्मॉल 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 पीक बनेंगे, और जो छोटे छोटे पीक बनते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, और इन्हीं सैटेलाइट डीएनए का डिफरेंस करके हम जो है वो किसके अंदर मैच कर रहा है उस तरह से हम निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। अब बेस कंपोजिशन क्या है, जैसे हमें पता है कि ए के सामने टी आता है और जी के सामने सी आता है, तो यहाँ पे ए टी रिच, ए टी का मतलब क्या, ये ए टी ए टी वाले बहुत सारे हैं या फिर जी सी जी सी वाले बहुत सारे हैं, इसके बेस पे वो सेगमेंट जो है डीएनए का जो सेगमेंट है वो उसकी लेंथ कितनी है, वहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट कितनी है, मतलब बार बार रिपीट कितना हो रहा है, इसी बेस पे जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे माइक्रो हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, इस बेस पे। दी सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। अब यहां पर ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना जो सीक्वेंस, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बट ये आपका एक ह्यूमन जीनोम के अंदर लार्ज पोर्शन बनाते हैं,
और ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म ये लिखा हुआ है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आता है वो बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, इसी से डिसाइड होता है। सिंस डीएनए फॉर्म एवरी टिश्यू, अगर हर एक टिश्यू कहीं से निकालो, चाहे ब्लड से, हेयर से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, कहीं से भी निकाल लो किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब एक इंडिविजुअल का किसी भी पर्सन से निकाल लो, उसके अंदर जो सेल के अंदर जो डीएनए वो बिल्कुल सेम होगा। एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और ये पता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जो होती है वो भी जाती है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां पर भी ये बेस हो सकता है, यानी कौन से किसके पेरेंट है ये भी पता लगाया जा सकता है। वट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि अंडरस्टैंड वट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज, सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज द वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, यानी कोई भी चेंज आ जाना सीक्वेंस की वजह से, उसकी वजह से जो जेनेटिक लेवल पे चेंज आता है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। म्यूटेशन हम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं और यहां पर भी हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। अब जो न्यू म्यूटेशन होती है वो दो सेल में आती है, एक तो आपके सोमेटिक सेल्स में आ सकती है और एक जर्म सेल्स में आती है। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? जो गेमिट को प्रोड्यूस करती है। अगर वहां पर गेमिट जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन आए, इसका मतलब गेमिट में आए, गेमिट में आए इसका मतलब यहां पर है सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब वो म्यूटेशन जो है वो आगे जो है वो पॉपुलेशन के अंदर भी जाएगा थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ये चीज हमें यहां पर पता होना चाहिए, यानी अगर जो भी वेरिएशन आ रहा है वो अगर जर्म सेल्स के अंदर आया तो नेक्स्ट वेरिएशन के अंदर भी आएगा। अब एलीलिक सीक्वेंस क्या होता है? एलील्स आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 में एलील के बारे में पढ़ चुके हैं, मेंडल वाले के अंदर होता क्या, देखिए, सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट ए लोकस अकर इन, तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म वाले बात कर रहा है यहां पर, कि वहां पर छोटा सा वेरिएशन अगर आ रहा है, एक बेस पेयर का आ रहा है, तो वहां पर वो एलील जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एलील हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो सकती है इसकी, देखिए, लोकस एट ह्यूमन पॉपुलेशन विद इन ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। इन सिंपल टर्म्स इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन हाइट फ्रीक्वेंसी। जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, मतलब एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यही कहलवाता है क्या? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए देखोगे जो आपके फर्स्ट जनरेशन से आपको सेकंड जनरेशन में वेरिएशन मिलता है, थर्ड में मिलता है, फोर्थ में मिलता है, इस टाइप से हर जो आपकी जनरेशन आती है उसमें वेरिएशन मिलता है, वो क्यों आता है? वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से आता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होकर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव बीन इन इमीडिएट इफेक्ट। जो नॉन कोडिंग है, जो किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है वो अच्छा है, उससे हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है निकालने का डीएनए सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि यहां से उसके अंदर जो कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सिंपल सिंपल जो सोमेटिक सेल के अंदर कोई भी वेरिएशन आता है तो वहां पर जो है वो आगे इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। वहीं अगर आपका जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर शो होता है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। देयर इज ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती है, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, यानी ऐसा भी हो सकता है कि केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो, या फिर वेरी लार्ज स्केल चेंज, बहुत ज्यादा चेंज हो। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवोल्यूशन के लिए पॉलीमॉर्फिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप हायर स्टडी के अंदर पढ़ोगे, इसका हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था। तो इस टेक्निक को डेवलप किया गया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलेक जेफरे। एलेक जेफरे ने जो है इस चीज को डेवलप किया था। इन्होंने क्या यूज किया था? सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब। मैं बता चुका हूं वही सैटेलाइट पोर्शन जो बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीटेटिव वाला सीक्वेंस, वही उन्होंने यूज किया था। एंड दैट शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे बहुत ज्यादा चेंज आए वो यूज की थी। इसी जो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इन सबको जो ये पूरा सीक्वेंस था, इसको क्या बोला जाता था? इट वॉज कॉल्ड एज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, दैट इज VNTR। VNTR का इन्होंने यूज किया था। अब देखिए, इनकी जो टेक्निक्स थी उस टेक्निक को बोला गया है साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन 2013 में। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इस पैराग्राफ से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो टेक्निक यूज की थी उसको बोलते हैं साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर रेडियो लेबल VNTR एज ए प्रोब जो है वो यूज किया गया था, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यानी वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी की बात कर रही है। इसमें होता क्या है, देखिए,
ये जो आपका साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडेशन इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करो, फिर डीएनए को डाइजेस्ट करो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दोबारा आएगा, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कर लो, फिर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लो, फिर यहां पर ब्लोटिंग की वजह से जो सेपरेटेड डीएनए उसको अलग सिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर भेज दो, जैसे नाइट्रोसेलुलोज और नाइलो के अंदर, वहां पर उसको हाइब्रिडाइज कर लो यूजिंग द लेबल वीएनटीआर प्रोब से, और फिर डिटेक्ट कर लो यहां पर हाइब्रिडेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। फिगर 6.16 दिया हुआ है, मान लेते हैं देखिए यहां पर कोई एक ऐसा केस हो जाता है, ठीक है, यहां पे कोई क्राइम होता है, अब ये क्राइम हो गया आपका, ये मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए डीएनए फ्रॉम क्राइम सीक्वेंस इसको निकाला गया, ये सीप नाम दिया गया और ये सीक्वेंस इसका निकल कर आता है, मतलब पहले वाले दो रेड है, फिर येलो है, फिर दो वाले ब्लू है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सीक्वेंस निकल कर आता है, ये मतलब आपको पता है कि जो आपके होमोलोगस पेयर होते हैं, मतलब एक पेरेंट से आता है, मतलब एक फादर से आता है, मेटरनल है, एक मदर से आता है, तो ये मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 7 है, 2 है, 16 है, और ये 7 2 16 है, ये एक और इंडिविजुअल से निकाला जाता है और ये एक इंडिविजुअल, मतलब ये दो सस्पेक्ट है कि इन्होंने क्राइम किया है, तो उसका डीएनए सीक्वेंस वहाँ से निकाला जाता है, मतलब क्राइम जो पोजीशन है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है, कोई ना कोई सेल ऐसा रह जाता है जहाँ से उसका डीएनए निकाल लिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्राइम हुआ है, वहाँ पर ये डीएनए सीक्वेंस मिला है ये वाला, तो अब दो इंडिविजुअल है सस्पेक्टेड, एक ए वाला और एक बी वाला, इन डीएनए सीक्वेंस निकाला जाता है, तो आप देखोगे बी और सी में बिल्कुल सेम है, मतलब पहले दो रेड है, ओके, फिर दो ब्लू, दो येलो है, फिर दो ब्लू है, मतलब इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, इसका मतलब जो बी सस्पेक्ट है उसी ने ये सीक्वेंस जो क्राइम है वो किया है, क्योंकि यहाँ पर उसका डीएनए मिला है। तो ये जो रेड रेड और ये येलो येलो बनाए गए वो आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इसी से पता लगता है, ये है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यहां पर इस चीज का पता लगाया जाता है, ये चीज क्लियर हो गई, यही यहां पर दिया गया। देखिए द वीएनटीआर बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट रेफर टू एज ए मिनी सैटेलाइट, वही है मिनी सैटेलाइट, आप समझते हो बार बार रिपीट होना, ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड रैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर, द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम से अलग अलग हो सकती है, द नंबर ऑफ रिपीट शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ साइज ऑफ वीएनटीआर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, फ्रॉम 0.1 to 20 केबी, केबी का मतलब है किलो बेस पे, किलो मतलब 1000, यहां पर 20,000 ये बोन लेकर इतने बेस पेयर में आपका वीएनटीआर हो सकता है, मतलब एक जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसमें आपके 20,000 से लेकर 100 बेस पेयर तक हो सकते हैं, 100 से 20,000 ये बताने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर हाइब्रिडेशन विद वीएनटीआर प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम वहाँ पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज पता लग जाते हैं, करेक्टर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल डीएनए इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, पॉपुलेशन एक्सेप्ट एट द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे ना, एक ही जाइगोट से जो डेवलप होते हैं ट्विंस होते हैं, उनके अंदर आपका डीएनए लगभग लगभग जो है वो सेम होता है, वहां पर लगभग लगभग क्या होता है सेम होता है, वहां पर इतना ज्यादा पता नहीं चलता है। इसके अलावा यहां पर इसको कैसे कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन पीसीआर यूज की जाती है, जिसको चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ, अगर एक सिंगल सेल से भी डीएनए निकालो तो वो काफी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। इसके अलावा इसका एडिशनल रोल भी होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यहां पर बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन होती है, सच एज डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डायवर्सिटी कंट्री, मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूजिंग इन जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट, बहुत सारे अलग अलग प्रोब भी यूज किए जाते हैं, केवल वीएनटीआर प्रोब ही यूज नहीं किया जाता, अब और भी बहुत सारे प्रोब यूज किए जाते हैं आज के टाइम। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।